क्या भाई, इतना कुछ बोल दिया तब कमेंट जा रही है कि यार माइक तो ऑन किए ही नहीं भाई। भाई नमस्कार, हेलो आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड टाइम, पहली बार म्यूट में चला गया, इस बार आ रहे हैं भाई। पहले तो अच्छी न्यूज़ दे दूं, क्रिकेट 22 का करियर मोड का 2000 लाइक्स का गोल पूरा हो चुका है। अगला वीडियो कल मॉर्निंग में आ रहा है। मैं अराउंड 10 AM के आसपास से चेंज कर दूंगा उसका शेड्यूल, ताकि लोग उठ जाए, नहीं तो 9 बजे कई लोग उठे नहीं होते, कई लोग होते नहीं है, तो 10 o'clock डाल दूंगा मैं शेड्यूल। और WCC3 करियर मोड 1500 लाइक्स गोल के चैलेंज के साथ आया है, तो प्लीज़ उसकी लिंक मैंने कमेंट लाइव स्ट्रीम के सबसे टॉप में डाल दिया, तो उसको भी सपोर्ट दिखा देना ताकि उसमें भी लाइक गोल पूरा हो जाए और WCC3 करियर मोड भी साथ में चल पड़े। अब आज का क्या हाल है बता दूं मैं आपको, डे 2 है, डे 2 पूरा हो चुका है, डे 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली इनिंग की लीड या तो इंडिया लेगा या पाकिस्तान लेगा, चांसेस दोनों के बराबर हैं। गेम थोड़ा सा कल लैग हो रहा था, अगर आज भी लैग होता है तो इंडिया के लिए पहली इनिंग लीड लेना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि गेम का कोडिंग या पता नहीं जो भी है, ऑप्टिमाइजेशन गड़बड़ है या जो भी गड़बड़ है, लेकिन गेम लैग कर रहा है और उसको सॉल्व करना बहुत ही नामुमकिन जैसा हो गया है। तो मैं आ रहा हूँ मेन स्क्रीन पे, चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। स्कूल चालू हो गए भाई? हाँ, स्कूल चालू हो चुकी हैं अब तो, मतलब छोटे बच्चों के भी स्कूल चालू हो गए। मतलब आप में से कई, अधिकतर लोग बड़े होंगे, बड़े मतलब सबसे छोटे वाले नहीं होंगे, मैंने शायद पहली दूसरी वाले बच्चों को भी शायद जाते हुए देख लिया स्कूल, तो हाँ स्कूल चालू हो चुकी हैं, राइट। पर भाई मॉर्निंग के सेशन में वीडियो आएगी ये पक्का है, क्योंकि आप लोग स्कूल से आके देख लेना। जो लोग कह रहे हैं कि स्कूल में रहेंगे शायद देख नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं भाई, आप स्कूल से आके सबसे पहले नोटिफिकेशन में डाल देना और देख लेना कि हमारा T20 और वनडे डेब्यू कैसा रहा है। साथ ही साथ हमने योगा किया है, हमने एक्सरसाइज की है, हमने डंबल्स उठाए हैं, हमने वेट्स उठाए हैं, वो सब कल होगा मॉर्निंग में, तो उसके लिए आपको कल मॉर्निंग तक का इंतजार करना होगा। अभी के लिए टारगेट ये है कि बिना लैग के गेम चल जाए, अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में वो नहीं है। कमेंट उठाते हैं फटाफट, सबसे पहले 5 लोग कौन आए हैं, चेतना निकुंभ, गेम्स एंड वीडियोस, रेखा रेखा 3, टैग गेमिंग 4 और ब्लेज, ये हैं टॉप 5 बंदे जो सबसे पहले आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे शिवेंद्र, वरिनी, यूजी, टैग, राघवेंद्र, वैभव, ईशांत, दिया, मिस्टर जो, अंकुर, संकेत, मीनू, अभिजीत, भाई नाम थोड़े से मिक्स हो गए हैं इसलिए, कुलवंत, क्रिकेटाई, गुलाम मोइनू, प्रीत जैन, इटी द्विवेदी, दीपर चक्रवर्ती, फिनोमिनल, सौरभ यादव। चलो भाई लेट्स प्ले। सबसे पहले तो निगाह ये है कि भाई लैग ना हो गेम, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। सिनेरियो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लीज़ क्रैश व्रैश मत हो ना, नहीं क्रैश नहीं, और वह काफ़ी स्मूथ चल रहा है भाई, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। फवाद आलम आए गेंदबाजी करने। स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है, इंडिया की 3 विकेट सलामत हैं। लीड की बात करते हैं तो सिर्फ 86 का लीड है। सिर्फ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टेल एंडर्स अच्छा खेलते हैं, तो 86 उनके लिए बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस पिच पे जहाँ पे डे 3 हो चुका है, पहला गेंद आता हुआ, सिंग आउट, फर्स्ट बॉल रन आउट। रनिंग क्यों इतनी धीरे की भाई, प्लम्ब आउट है, जैसा लगा जैसे रन दौड़ने में ही बंदे को आलस आ रहा हो। गजब भाई गजब, यहाँ पे हुआ है नाटक, कुछ तो अलग लगा मुझे। रनिंग में कुछ दिक्कत थी, स्टेमिना डाउन था भाई, कोई पीछे का देख के बताना। केएल राहुल रन आउट हो गए यहाँ पे फर्स्ट बॉल पे, पता नहीं क्या दौड़ा भाई मैं, ये 1 रन था, हम 2 दिन से खेल रहे हैं, ये 1 रन था, पता नहीं क्या हुआ इसको, मालूम नहीं कैसे क्या, रनिंग में कुछ दिक्कत आई, धीरे दौड़ा, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यहाँ पे भाई। स्पैम करना बंद करो भाई यार, ये क्या यार, इक्कीस रनों की पारी भाई यहाँ पर समाप्त होती हुई, 88 गेंदों में 121 रन भाई, क्या हुआ ये स्टेमिना, अब मैं देख नहीं सकता पॉज करके। रविंद्र जडेजा बचे हैं और अश्विन यहाँ पर हैं, 2 विकेट्स इंडिया के पास, और एजेस दे रहे हैं, फिर रनआउट का क्लोज चांस और बच गया, शोल्डर पे लगी है, गेम लैग हो रहा है, यस गेम लैग हो रहा है भाई। कमेंट आ रहा है यश का कि भाई स्टेमिना तो बहुत था भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कैसे आउट हुए, क्यों आउट हुए। रविचंद्रन अश्विन अच्छे अच्छे बैटिंग फॉर्म में है, पर
फर्स्ट बॉल पे झटके की किसी को उम्मीद नहीं होती। फवाद आलम बहुत ही बढ़िया रनिंग करते हुए यहाँ पर बॉलिंग करते हुए यहाँ पे। केएल राहुल लग रहा था कि 200 करेंगे भाई, मैं भी इसी उम्मीद के साथ आया था, लेकिन फर्स्ट बॉल पूरी तरह से उम्मीदों पे पानी फेरते हुए पाकिस्तानी गेंदबाज। और अश्विन का सिक्स, मैं गलत नहीं हूँ तो एक क्लीन हिट है, 6 देगा यहाँ पे। टाइमिंग आइडियल, शॉर्ट चॉइस आइडियल और स्कोर कार्ड में छक्का लगता हुआ यहाँ पे, जिस बात का मतलब ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सब लोग सोच रहे थे कि भाई अब विकेट गिरी है तो एक और गिरेगी, बंदा रन आउट हुआ है तो फिर से आउट होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही किया है अश्विन ने, यहाँ पर सिक्स जड़ दिया है। दो रन के मूड में है भाई, देखो रनिंग तो है यार, पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, मैं भी कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे। बाप रे, शुभम कह रहे हैं गला उनका जा चुका है। एक सेकेंड, एक रन। ऐसा तो कोई मौसम इतना बड़ा बदलाव है नहीं, एटलीस्ट गुजरात में तो मौसम बहुत सही है, मतलब जो लोग गुजरात में रहते हैं मैं मानता हूँ वो इस समय सबसे बेस्ट मौसम में हैं, क्योंकि परफेक्ट गर्मी पड़ रही है, परफेक्ट ठंडी पड़ रही है, मतलब ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। आप अगर देखो तो शायद एक या दो पे पंखा रखते हो या तीन पे रखते हो, चलो मान लो दो या तीन पे रखते हो, आराम से आपका मतलब कट जाएगा कमरा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी एकदम चिल मौसम है। आई थिंक अहमदाबाद गुजरात में इस वक्त का सबसे बेस्ट मौसम चल रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भाई बिग शाउट आउट जाएगा यहाँ पर सोम सेन गुप्ता को सपोर्ट करने के लिए भाई, 1000 रुपीज़ पेटीएम सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोम सेन गुप्ता का। मेन बात है भाई तबीयत ध्यान रख लो अपनी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी अभी तो ओमनी डेल्टा जा चुका है, ओमनीकॉन जा चुका है, अभी ओमनी डेल्टा आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ है, एक नया आ रहा है यहाँ पे, एक नया ही वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, जिसका नाम कुछ है डेल्टा कॉन नाम है उसका। ठीक है, नुमान अली गेंदबाजी में, लेफ्ट आर्म, मैं फ्रंट फुट डिफेंस करूँगा। 45 ओवर कल पूरे हुए थे, अगर आप काउंट करते हो 45 ओवर चालू हुए थे तो ठीक है 90, अभी देखो कितना खेलता है इंडिया, उसके ऊपर से डिसाइड होगा कहाँ क्या बन रहा है। नुमान एक बार फिर, लाइन बहुत बढ़िया, लाइन बहुत बढ़िया, और सामने देखो फील्डिंग सेटअप देखो भाई, इसे कहते हैं अटैकिंग फील्डिंग सेटअप, 5 फील्डर आपके करीब हैं। गेंदबाज को अगर आप काउंट करते हो तो टोटल 6 प्लेयर्स को आपको रोकना है, इन 6 गेंदबाजों में थोड़ी भी गलती की आपने तो कोई चांस है नहीं। फील्डिंग में बदलाव हुआ है, पता नहीं क्यों, इसलिए शॉर्ट लेग हटा दिया इन्होंने, उसका फ़ायदा मैंने तुरंत उठाया है स्ट्राइक रोटेशन में। 2 रन लेकर कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक इस वक्त अश्विन, जड्डू बाकी हैं नॉन स्ट्राइकर पर, तो आप एक तरीके से एक तरफ थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो, और अश्विन भी ख़राब नहीं खेलते तो इस मामले में मैं थोड़ा सा ठीक हूँ यहाँ पर। डिफेंस, शुभम कह रहे हैं चोरी से आइसक्रीम खा लिया था, भाई मैं कहने ही वाला था, या तो फिर आपने रसगुल्ला वसगुल्ला पी लिया है, पी नहीं खा लिया है, या तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे। डांट पड़ रही है, पड़ेगी ना यार, लीव करेंगे इसकी इनको, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या नया रोड आ रहा है, कौन सा नया रोग आ रहा है, अरे बाप रे भाई, रोग का नाम मत लो, अभी एक्चुअली डेल्टा कॉन की बातें चल रही हैं, नया वेरिएंट, ओमनीकॉन के लक्षण उसमें होंगे, लेकिन फैलेगा वो ओमनीकॉन जैसा, लेकिन डेंजर वो डेल्टा जैसा होगा। मैं नहीं चाहूँगा आए, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, सबसे खास बात छोटे बच्चों के स्कूल्स भी चालू हो रहे हैं, यहाँ तक कि प्ले ग्रुप्स और जो JKG होता है और सीनियर KG और फर्स्ट सेकेंड क्लास, ये सब भी चालू हो रहे हैं, अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से पर शुरुआत हो चुकी है, तो अगर फिर से कुछ आता है तो फिर सब बंद हो जाएगा, फिर सब कुछ नौटंकी वाला हो जाएगा। ठीक है, हमारा फोकस जड्डू के साथ एक बड़ी पारी के लिए, गेंदें दूर आ रही हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। जो लोग कह रहे थे भाई टेस्ट मैच खेल के दिखाओ, दिस इज़ द टाइम टू प्ले अ रियल टेस्ट मैच, और वो लोग दिख नहीं रहे जो लोग कमेंट करते थे, जिन लोगों को देखना था टेस्ट मैच बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। जाडू से डिफेंस करो, अश्विन से अटैकिंग खेलो, ऐसा नहीं होता यार,
आप कहाँ से क्रिकेट खेल रहे हो भाई? जैसी गेंद आएगी वैसा खेलेंगे भाई। अब इतनी दूर गेंद आ रही है, मुझे नहीं लगता छिड़कानी करना सही होगा। मैडन जाती है, जाने दो। मैंने पहले ही आपको बताया कि आज है तीसरा दिन, शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा डर मुझे क्या लग रहा है पता है, मैं लीव कर रहा हूँ ना, कहीं मेरे साथ दाव ना हो जाए यहाँ पे। आईम कह रहे हैं डिड यू ट्राई फुल स्क्रीन? भाई नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया भाई आईम, लेकिन अगर लैग होता है तो मैं ट्राई करूँगा। अभी लैग नहीं हो रही गेम, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि लैग नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाकी गैप 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 रन तो बनेंगे यार, एक दो ओवर आप भी मैडम खेल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कवर हो जाएगा सब। टेस्ट मैच के फैंस कहाँ गए? शांत कह रहे हैं कियांश का करियर मोड। हाँ भाई, कियांश का करियर मोड आया, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है कियांश के करियर मोड पे। वो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट रहा हूँ इस मामले में। प्लेइंग इन ईजी मोड? ईजी नहीं भाई, ईजीएस्ट मोड ब्रो, सबसे आसान मोड है। ईजी से भी एक और लेवल नीचे है ना, मैं वो वाला लेवल खेल रहा हूँ यहाँ पर। पता है क्या हो रहा था, मैं ली वाली बटन दबाने जा रहा था, अच्छा हुआ नहीं लगाया भाई यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा दाम हो जाता। नुमान अरे भाई डर तो लगता है डिफेंस खेलने में, इतना आसान नहीं है यहाँ पर। नहीं यार, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा शॉट, दिख नहीं रहा मेरे ब्रेन में, शॉट नहीं बन रहे, मैप नहीं बन रहे उसके कि मैं ये गेंद पे ये शॉट खेलूँ तो अच्छा जाएगा। अवॉइड कर रहा हूँ खेलना शॉट्स। अभी पॉइंट कवर पे पूरा दीवार लगा दिया है, फाइन लेग खाली है, फाइन लेग खाली है, लेकिन इतना दूर कौन जाके फाइन लेग खेलेगा, गेंद को ही जान दो यहाँ पे। शुभम कह रहे हैं अपने स्टाइल में ही खेलो भाई। यस, अगर इस मैच को अभी एटलीस्ट बैटिंग डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से अपने स्टाइल में खेलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बॉलिंग में तो भाई बहुत काम आती है टिप्स आप लोगों की, स्पेशली लेग स्लिप लगाना, फिर डीप करना कई बार प्लेयर्स को, कई बार वेरिएशन गेंदबाजी में। लेकिन बैटिंग ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें बैटिंग ऑर्डर शायद थोड़ा बहुत बदल दो तो काम आएगा, लेकिन क्या है देखो। आज जेट सिंथेसिस वाले की तरफ से कोई सरप्राइज़ है? यस भाई, कई लोग कह रहे हैं शायद नया टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स का आने वाला है, ऐसा कई लोगों को लग रहा है, बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ। 22 तारीख आधी तो पूरी हो गई, मुझे लगता नहीं है कि दिस इज़ अ राइट अप्रोच टू रिलीज समथिंग लाइक दैट आफ्टर हाफ डेज ओवर। सो आधा दिन पूरा हो गया है, सरप्राइज धरा का धरा रह गया। यहाँ तक कि मूवी के ट्रेलर्स भी आते हैं वो 11, 12, 1 बजे तक आ जाते हैं, या तो फिर आप पहले से प्री डिसाइडेड टाइम रखो कि 5 बजे तक आ जाएगा, 6 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि 2:22 भी पूरे हो गए। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, आज 22 तारीख है, दूसरा महीना है, सन 2022 है, सन भी 22 है, तो 2:22 पे करते हैं, या फिर रात को 22:22 पे करें, ये एक ऑप्शन है। अच्छा, जैसे 8:22 पे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 8:22 पे कुछ रिलीज़ करें, पता नहीं भाई क्या है सरप्राइज़, छोड़ो भाई उसको, आएगा तब पता लग ही जाएगा भाई। यहाँ पे 6 रन, अरे यार थोड़ा सा मिस किया। अश्विन भाई ओपी खेल रहे हैं, किसी ने सोची ना होगी, मोदी जी को भी समझ नहीं आ रहा कि चौके का इशारा करूं कि छक्के का इशारा करूं, क्योंकि जिस तरह से पहला विकेट खोया था हमने फर्स्ट बॉल पे, ऐसा लगा शायद ना होने वाला है। जीटी की टीम आ चुकी है भाई, जीटी का कपड़ा आया नहीं है तो जीटी की टीम डाउनलोड करने का मतलब नहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स का भी कुछ कुछ ऐसा ही है, उनका भी जब तक यूनिफॉर्म नहीं आ जाता टीम डाउनलोड करने का कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं। देखते हैं हम लोग भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए फोकस है छक्के चौके कैसे लगाए जाए। वीक गेंदें मिलती हैं ओवर में, लगभग 1 या 2 गेंदें वीक मिलती है, आपको तुरंत जज कर लेना है इस गेंद पे मारना है तो मारना है। मैंने दोनों पे यही किया, दोनों पे चौके लगा दिए, दोनों वीक गेंद पे। ठीक है, लीव करेंगे हम लोग। लेट्स गो, फील्डिंग भाई बहुत अच्छा है, बीट करा दिया लेकिन ऑफसाइड पे रहने दो। मैं तो इसी भरोसे हूं कि आराम से पिटाई करूंगा मैं।
शुभम कह रहे हैं हाँ भाई, एंट्री मतलब सुबह वाले वीडियोस में WCC3 में ओपनर के रूप में आते हैं के और एस। गेम का नाम क्या है? गेम का नाम है क्रिकेट 22 भाई। क्रिकेट गेम का नाम है क्रिकेट 22। कैलकुलेटर और मोबाइल पे नहीं चलता, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं कि 50 GB का गेम जो 8 GB रैम मोबाइल कंप्यूटर के रैम में भी नहीं चलता, उसको मोबाइल में कैसे खेलें। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कैलकुलेटर में नहीं चलता, फिर मोबाइल में नहीं चलता। और कौन सी डिवाइसेस हैं जो वॉच, स्मार्ट वॉचेस में नहीं चलता, किंडल में नहीं चलता भाई? बहुत बहुत डेंजर लाइन पे डाल रहा है। मैं भी कम नहीं हूँ आज, आज इनको दिखा दिया डिफेंस कैसे किया जाता है। आज फवाद आलम और नुमान अली की पूरे एफर्ट को हम लोग डिफेंस में बिगाड़ रहे हैं। ओ लेकिन आउट होंगे तो बहुत गंदा वाला होंगे भाई यहाँ पे। मैं एक चीज़ और भी कह दूँ भाई, अगर हम लोग आउट हुए ना डिफेंस में, तो मेरे ख्याल से वो आँखों के लिए बहुत हानिकारक होने वाला है, अगर आउट हुए तो लीव डिफेंस में या लीव में जो भी। क्योंकि आप सोचो, अगर आप आउट हो गए डिफेंस में और या लीव में, तो कैसा सीन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा होगा। लीव वाली गेंद है, इतना स्पिन है नहीं पिच पर से कि वो दो स्टम्प छोड़ के, तीन स्टम्प छोड़ के अंदर आके स्टम्प को हिट करेगी। ठीक है भाई, फाइन लेग फिर से खाली, मेरी गलती नहीं है, कप्तान बाबर आजम की गलती है कि वो फील्डिंग सेट नहीं कर रहे। पर गेंदबाज बहुत ही चालाक, ऑफ साइड डाल दी गेंद, फील्डिंग चेंज करूंगा मैं, फील्डिंग क्या, बैटिंग का स्टांस चेंज करूंगा, डिफेंस के लिए जा रहे हैं हम लोग। क्रिकेट 19 का एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता भाई अभी क्या है। आसान होगा अगर आप चेक कर लें, लगभग 600-700 होगा, कुछ उससे ज़्यादा नहीं होगा। डिफेंसिव, 3 बज गए हैं भाई। यस भाई, 3 के ऊपर 15 या 20 चढ़ गया होगा ऊपर, मुझे नहीं पता, पर 3 के ऊपर चढ़ तो चुका है। 3 बज गए हैं, छोटी सुई 3 पर है, जो बड़ी सुई है वो थोड़ा सा आगे निकल गई है समय से। डिफेंसिव शॉट, फाइन लेग फिर खाली हो गया है, 6 का एफर्ट करने की इच्छा है। अश्विन यहाँ पर आए हैं और शॉट मिस कर गए, गुड टाइमिंग है, लेकिन ऊंचाई भी नहीं थी इसके पास, फ्लैट रहता हुआ शॉट। चलो 4 तो आई, मतलब 4 जाता या 6 जाता, उसके बीच का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस शॉट पे, इस फील्डिंग सेटअप पे, तो 4 निकाल लिया हमने। क्रिकेट 22 में मेरे मैथ्स की किताब में चल रहा है, समझा, अच्छा बुक में चला रहे हैं गेम को, सही है। डिफेंस, ये कैमरा एंगल पता है थोड़ा सा अजीब है, पता है ये कैमरा, ये मुझे याद नहीं कौन सा ब्रॉडकास्ट 1 2 3 पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो भी कैमरा एंगल है ये थोड़ा सा अजीब है, स्पेशली जब जो ये जूम इन करता है ना, ये जूम इन शायद प्रॉपर नहीं है, एनिमेशन डेवलपर्स को थोड़ा सा सही करना चाहिए, आँखों को सूट नहीं कर रहा ये। देखो कैसा है, अभी आगे छूट जाएगी गेंद तब देखना आप लोग, ये देखो, ये देखा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जूम इन हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हिल जा रहा है यहाँ पे। ये पार्टनरशिप नहीं टूटनी चाहिए भाई, देखो एफर्ट तो फुल है ऑलरेडी, आप देख रहे हो सब्र पूरा दिखाया है मैंने। मैं अपने नॉर्मल बैटिंग स्टांस से उल्टा खेल रहा हूँ, मतलब मैं कभी ऐसे नहीं खेलता, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बनी है तो खेल रहे हैं हम लोग। रिस्क के नाम पे 0 रिस्क, अभी तक कोई रिस्क नहीं लिया मैंने। शुभम कह रहे हैं अभी कोलकाता आना, हाँ भाई कोलकाता आने की इच्छा है, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं है, 2 साल, 1-2 साल नहीं, पता नहीं यार कब आना होगा, नो आइडिया यार, बहुत मतलब अलग पड़ जाता है वहाँ पे। पर हाँ वो एरिया में उस साइड गया ही नहीं शायद मैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि उस साइड उस एरिया में गया हूँ, मतलब इंडिया के उस मैप में गया हूँ मैं, वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। अश्विन 28 में 25, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना भाई कि बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हर गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेल रहा हूँ मैं। फाइन लेग खा लिए, मिलने तो मिडल पे फिर मारता हूँ छक्का, तो आपकी छक्के चौके की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। और लीजिए 6 पता नहीं,
अंत तक क्लियर नहीं है क्या है। 4 रन है, मोदी जी भी शॉक कंफ्यूजन है मोदी जी को भी कि क्या किया जाए। अश्विन नंबर 99 लगाते हुए चौके पे चौके, फाइन लेग भर दिया गया है, लेग स्लिप से भर दिया गया है। डिफेंस यार, सिराज इंजरी के कारण गेम में बाहर है भाई। हाँ मतलब गेम में है, आज के मैच में भी है सिराज, लेकिन वो बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करेंगे इंजरी के कारण, क्योंकि उनका स्टेमिना 30% बचा था। पता नहीं गेम ने क्या नाटक किया, मुझे भी नहीं पता। आसान शॉट, 4 रन के लिए जा रहा है। इंतजार अभी भी 6 का हो रहा है, लेकिन देखो कब होती है। लाइनअप आपको भाई कल की वीडियो में दिख जाएगी, मैच के शुरुआत में दिख जाएगी, आज की वीडियो की शुरुआत में। थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, मिल जाएगी भाई आपको, तो ज़्यादा हैरान की बात नहीं है। अश्विन आइडियल टाइमिंग रह रहा है। शुभम कह रहे टेस्ट मैच तो ऐसा ही होता है। यो भाई अभी तो पूरा सिनेरियो ऐसा है कि मैं लॉफ्टेड खेलूं ही ना। नाइस बॉलिंग, कीपर का रिएक्शन देखो, शक्तिमान बन रहा है अभी। इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब बड़े पर्दे पर आएगा शक्तिमान, तब शक्तिमान कौन बनेगा, पता नहीं कौन बनेगा। कई लोग कह रहे हैं अल्लू अर्जुन बनेंगे, कई लोग कह रहे हैं विकी कौशल बनेंगे, कई लोग कह रहे हैं रणबीर कपूर बनेंगे। मुझे नहीं लग रहा रणबीर बनेंगे, क्योंकि रणबीर ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र मूवी में काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता रणबीर को बनाना चाहिए। और रणबीर मेरे ख्याल से शक्तिमान के रूप में शायद इतना सूट भी ना करें, तो वो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र कर रहे हैं, वही सही है। थोड़ा सा क्विकर, उस पर आइडियल टाइमिंग, मुझे नहीं दिख रहा गेंद दिखी नहीं रही कहाँ है। 6 है कि 4 एम्पायर के डिसीजन पे है। 6 रन, बहुत अच्छे भाई। मैच इंडिया में हो रहा है कि पाकिस्तान में भाई? मैं देखो मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसमें जवाब है इसका। विकेट 2 ही बाकी है भाई, लीड भी तो बहुत कम बाकी है, लीड सिर्फ 42 की बाकी है, 42 रन की लीड है। और जिस तरह की अप्रोच से मैं खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ वीक गेंदों का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। मुकेश सर बनेंगे, मुकेश सर नहीं बनेंगे, मुकेश सर की उम्र हो गई। मुकेश सर बताए कैसे क्या करेंगे, जैसे कैमियो रोल नहीं होता, कैमियो रोल जानते हैं भाई आप लोग क्या होता है? कैमियो रोल मतलब कि अभी स्पाइडरमैन की मूवी आ रही है, मान लो आ गई है, उसके अंदर आयरन मैन तो मर चुका है पहले एवेंजर्स में, अचानक से आयरन मैन आ जाए, या फिर जैसे 2 स्पाइडरमैन पुराने वाले वापस आए थे, ऐसा कुछ करना चाहिए मुकेश शक्तिमान जी को। मुकेश खन्ना जी को मेरे ख्याल से वो केमियो करेंगे, मेरे ख्याल से जो नया शक्तिमान होगा वो जब फंस गया होगा या मार खा रहा होगा या मर रहा होगा, तब शायद वो पुराना शक्तिमान आएगा और बचाएगा, ऐसा कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा डिफेंस संभाल के, फाइन लेग फिर खाली, फाइन लेग फिर से खाली, फिर से मैं लेंगा लॉफ्टेड। 6 है ये तो, आंख बंद करके बोल दूं मैं इस 6। आवाज़ इतनी स्वीट आई है, स्वीट इनोसेंट तो नहीं है, भयानक आवाज़ है, दबती हुई आवाज़ है, गूंजती हुई आवाज़ है यहाँ पे। 6 रन, गलती है पाकिस्तान की, और इंडिया कोई मौके नहीं छोड़ रहा गलत सही शॉट लेने के, गलत गेंदों पे। कई लोग बोले गलत क्या बोल रहा था। डिफेंस जिंदाबाद भाई, डिफेंस जिंदाबाद। टैग गेम ही कह रहे हैं कल शार्दुल ठाकुर पतले लग रहे थे, आज अश्विन मोटा लग रहा है। भाई अश्विन को तो लंबा चौड़ा बनाया गेम में। मुकेश खन्ना को ही शक्तिमान होना चाहिए भाई, मुकेश खन्ना को शक्तिमान नहीं होना चाहिए, कोई और ही होगा, देखो पता नहीं कौन होगा। मैं अभी लीव कर रहा हूँ गेम। क्रिकेट 19 में आज मैंने जितना जितना लीव किया है ना, मैंने क्रिकेट 19 में 1.5 साल में उतना लीव नहीं किया होगा 2 साल के गेम प्ले में। 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 आ गया, जितना लीव मैंने किया है ना, डिफेंस किया है मैंने क्रिकेट 19 में, डिफेंस करता था मैं, लीव नहीं करता था मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था लीव कैसे करते हैं। बाद में मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है कैसे लीव करते हैं, आपको मिल जाएगी। जडेजा आप, और ये तेज गेंदबाज आ गया है, आते ही शॉट्स लेना भी हमने शुरू कर दिया है। 2 नहीं है, एक आएगा, एक आएगा आराम से।
आज फिनिश कौन करेगा भाई, उसके लिए तो आपको फिनिश तक देखना पड़ेगा। अभी तो किसी को पता नहीं कौन फिनिश करेगा, वेट एंड वॉच, सिर्फ समय जानता है कि क्या है, कौन फिनिश करेगा। हम लोग तो साथ चल सकते हैं। गैप 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 गैप, एक रन। गैप्स की बात करो तो वही ऑफसाइड पे हल्का सा गैप है पॉइंट कवर के बीच से, कवर मिड ऑफ पे गैप है। गेंद उतना ही रिस्की होगा, लेकिन गैप ढूंढते हुए क्राउड खुश नहीं है, मतलब चार नहीं है क्राउड को पहले ही। क्राउड अंतर्यामी होता है गेम्स में, क्रिकेट 19 में भी अंतर्यामी था, बल्ले से लगता ही अगर क्राउड चिल्ला देवे जोर से समझ जाओ चौका है। नहीं चिल्ला रहा है मतलब चौका नहीं है बेचारा, कई बार उसके साथ भी दांव हो जाता था, क्राउड के साथ भी कई बार चार चला जाता था, चार रुक जाता था। शॉट यार, बंदे में है दम, वंदे मातरम। एक रन एक रन एक रन, दो की जरूरत नहीं है। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान। अश्विन 40s में जड्डू से आगे निकल गए, वाह। गेंदे कम खेली हैं, अभी अभी आए हैं, पर खेलने का अंदाज वाकई काबिले तारीफ। चार रन जाना चाहिए, डिजर्व कर दिए गेंद, चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई, चौका भाई, बहुत आगे निकल गया। 50 का चांस है यहाँ पे, WCC3 अपडेट, नो आइडिया भाई, वो RC20 जैसी हरकत हो रही है। टाइम दिया लेकिन लाइव है, बैकफुट पंच, फिर से दमदार शॉट। अरे यार दो खिंचाओ, दो आएगा भाई। 46 ओवर समाप्त, जड्डू के पास ओवर है, 6 गेंदे कर गए, 50 तो पहले करेंगे नहीं तो पता नहीं। अच्छा नुमान, एक तरफ से नुमान अली आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ से नुमान, एक तरफ से शाहीन अफरीदी, क्विकर 85.4 क्रॉस एंगल में डाली। मैं फ्लिक के मूड में हूँ, अगर गेंद मिलती है थोड़ा सा लेग साइड तो नहीं नहीं नहीं, लीव लीव लीव। मैं कह नहीं, मैं सोच ही रहा था भाई कि ये गेंद थोड़ा सा बाउंस आ रहा है, ये दाव ना कर दे गेंद, और स्पिन हुआ है गेंद, बड़ा स्पिन हुआ है यहाँ पे, लीव करने में आउट हुए हम लोग 50 गेंदों में 37। जा डेविजा का सपना अधूरा यहाँ पे रहेगा। मोहम्मद शमी आ रहे हैं, लास्ट विकेट यहाँ पे, मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पर लीड लेने की तरफ बढ़ रहा है। पहला ही शॉट लॉफ्टेड होने वाला है, शमी कैच का कॉल, फर्स्ट बॉल विकेट, एक और खो सकता है इंडिया। बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। उसने आम बॉल डाली, आम बॉल नहीं लग रही थी भाई। शॉट्स लेना भी थोड़े से शुरू कर दिए, मैं भरोसे नहीं रह सकता ऐसे। दो दौड़ा दिए, डाइव 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 डाइव, ओपी 21 रन सिर्फ। मुझे आइडिया नहीं कौन पहली इनिंग में कौन लीड लेगा। फाइनल खाली कर दिया है, 21 को कम करो भाई, चौका तो चाहिए कम से कम। अरे क्या फ्लैट ले रहे हो, कैच होगा भी, सेम लाइन पे कैच हो गया भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, पहले ही कह दे रहा हूँ, मैं तो अलग खेल रहा हूँ, क्या कहीं और रहा है। फील्डिंग फील्डिंग फील्डिंग, पॉइंट पॉइंट, कवर कवर, गैप निकल सकता है। शॉट्स लेने शुरू कर दिए मैंने, मैं अब होल्ड नहीं कर रहा यहाँ पे। नए लोग जो यहाँ जुड़ रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो इस वक्त जुड़े हैं, 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर जो लोग पहले जुड़े हैं उनका वेलकम हो चुका है, इसलिए शुक्रिया यार जुड़ने के लिए, लाइक कर देना यार जरूर। शमी और गैप मिलता हुआ, खराब फील्डिंग के कारण चार जाएगा इस गेंद पे शमी की, लगा था शॉट लेकिन फील्डर की तरफ था, फील्डर ने मिस किया, फायदा हुआ है टीम इंडिया को। एक गेंद रुक गई, नहीं चली गई, रुक गया था एनिमेशन, स्क्रीन रुक गया था ब्लैक पूरा। बहुत बहुत ज़बरदस्त चौका, प्लीज़ रिप्ले दिखाना पूरा गेंद रुकते हुए भी, अंत में रुक गई थी गेंद, बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल हो गई थी। चलो भाई 14 रन की लीड, आधा दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ है, रिजल्ट तो आएगा मैच का रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। एजेस आउटसाइड पर, ओके टाइमिंग, 14 रनों की लीड, अभी
क्या बताऊं मैं भाई, लीड नहीं देनी थी, लीड लेनी थी। चैलेंज मैं क्या दूं यार, आउट ही है, पर चलो तो पानी वानी पी लेते हैं। बॉलिंग आ रही है इंडिया की, शमी आउट हुए बाउंसर पे ऑफ साइड, बहुत बहुत क्विकर बाउंसर था। मैं ना वो करने जा रहा था, पता है क्या, पोल डालने जा रहा था कि कितने की लीड आएगी, जीरो लीड मतलब पाकिस्तान लेगा लीड, या फिर 10 रन, 20 रन, 30 रन, ऐसा कुछ पोल करने जा रहा था। वन में था पोल का, लेकिन एज लग गई। अभी लीड नहीं हुई है भाई, नहीं, इस वक्त 14 रनों की लीड पाकिस्तान के पास है। इंडिया हुआ है ऑल आउट। जब आपके सामने कोई 500 के आसपास का रन मारता है तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आप कितने भी रन कर लो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हो। वही हुआ, पाकिस्तान से बहुत अच्छा खेले लेकिन मतलब तेज खेले, लेकिन इन दी एंड लीड जो है वो इंडिया के फेवर में नहीं आई है। कमेंट में बात करो तो शयान, लायंस, आयुष, आयुष मीरा, गुज्जू, उसके अलावा यहाँ पर हैं आशीष, शिवेंद्र, क्रिकेट लवर, रुद्रांश, सूजा, एमजेड स्टार, क्रिकेट लवर हैं एमडी, अरीज, शकीब। भाई जो लोग लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ से अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट आ रहा है इंडिया का, पी के कमेंट में आते हुए एसएमबी, राकेश, क्रिकेट वर्ल्ड, रॉयल, रोशन, चेतना, उत्सव, वरीनी, ध्रुव, अरिमान, एसएच, जॉयल, थैंक यू एक बार फिर जाएगा शुभम सेन गुप्ता को भाई यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए हमारे स्ट्रीम को आज की 1000 रुपीज़ पेटीएम सपोर्ट के साथ। रॉयल, जगदीप, शुक्ला, अबीश, जोकर, शुजा, जीजे प्रिंस, उत्सव, कल्पना, अंकुश, फिनोमिनल, कृष्णा गर्ग, स्पोर्ट्स ऑफिशियल, अरिजीत, अनुश्रे बैग, फेवर क्रिकेट, अंकुश, वेदांत, उत्सव, भाई ऑलमोस्ट नाम सेव हो रहे हैं। क्रिटिक यहाँ पे आते हुए जेमेसी बॉय, ठीक है भाई, डन, शाउट आउट हो रहा है समाप्त यहाँ पे। भाई शूट आउट नहीं कहते इसको, ये शूट आउट कुछ अलग होता है, शूट आउट कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर मैं बोलूँगा मैं शूट आउट दे रहा हूँ, कोई बंदा नहीं बोलेगा जिसको मतलब पता है शूट आउट मतलब क्या होता है। कमेंट आ रहा है पेमेंट कैसे करना है, भाई पेमेंट बहुत सिंपल है, ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा कहीं यूपीआई एड्रेस, बाकी आप पेटीएम नंबर अबाउट सेक्शन में से दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो, बैटिंग कार्ड देखते हैं। केएल राहुल रहे टॉप स्कोरर 121, इस मैच में 2 सेंचुरी लगी है टोटल, 132 प्लस 60 ओवर्स गिन लो आप, 192 ओवर्स में, 192 में टोटल 2 सेंचुरी लगी है, दोनों इंडिया की तरफ से लगी हैं। ऑलमोस्ट 1000 रन होने वाले हैं, अब देखना ये कि क्या कैसे होता है। अश्विन हाफ सेंचुरी चूक गए, ऋषभ पंत सेंचुरी चूक गए, नुमान अली 2, फहीम 2, अब्बास 2, 1 शाहीन शाह, रनआउट कितने हुए, 1 रनआउट राहुल हुए, सिराज रिटायर्ड हट हुए हैं, ठीक है 1 रनआउट हुए हैं। लेट्स गो, शूट आउट मतलब गोली मारो, भाई वही कह रहा हूँ, कोई शूट आउट नहीं लेना चाहेगा। शमी 57 में 205 विकेट, लेकिन अभी पुराना इतिहास आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। आज आप क्या करते हैं इस मैदान में, इस पिच पे, इस सेटअप में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इमरान बट जाने जाते हैं एक अच्छी शुरुआत के लिए, पाकिस्तान को फर्स्ट बॉल ऑलमोस्ट एज लेते हुए निकली है गेंद, लगा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट काम है ना, फील्डिंग बदलेंगे हम लोग। मैं 3 स्लिप 4 स्लिप में नहीं मानता क्योंकि गेंदें जाती नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं पहले स्क्वायर लेग बचाऊँ और मिड ऑन बचाऊँ। तो पहले तो मैं ये काम करूँगा कि ये 2 पोजीशन को पहले लॉक करूँगा, उसके बाद जो स्लिप है उसको गली लगा रहा हूँ, सिर्फ 1 स्लिप है मेरे में। क्या कह रहे हो भाई, सही है कि गलत है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे और भी पोजीशन बचानी है भाई। अगर ये बंदा स्क्वायर मारेगा ना पुरानी फील्डिंग सेटअप में, तो गारंटी है 2 या 3 रन आएंगे। बंदा मिड ऑन मारेगा, सामने जनरली सामने जो शॉट जाते हैं तेज जाते हैं, तो 3 या 4 2 उसमें भी आ जाएंगे, तो वो रिस्क मैं नहीं ले रहा, इसलिए मैंने स्लिप हटा दिया। स्लिप में देखो कितनी गेंदें जाती हैं पता लगेगा, अभी तो कह नहीं सकते। पाक के लिए डिफिकल्ट होगा आज के दिन, भाई लैग नहीं हो रही गेम, आज के दिन लैग नहीं हो रही, वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी आज।
नजर ना लगे मेरी खुद की। ग्राउंड शॉट, ठीक है, मुझे लगा इस बार अच्छा शॉट है, अच्छा था पर रन नहीं आए तब तक, ठीक है। एटलीस्ट दो स्लिप लगानी है, नहीं लग रही भाई, बताओ कहाँ से निकाल के हटाऊं प्लेयर्स को। ये देखो चार था, ये अगर आपका पुराना वाला फील्डिंग सेटअप होता तो चार रन था यहाँ पे पक्का, गारंटी। स्क्वायर ऑन, मिड ऑन है ही नहीं भाई, तो ये तो गलत हो गया। एटलीस्ट कुछ तो फील्डर रखो वहाँ पे, थोड़ा और साइड करने का। यहाँ पे स्लिप नहीं रखनी भाई, स्लिप में गेंदें कितनी जाती हैं उस पर से हम लोग जज करेंगे कि क्या स्लिप रखना फ़ायदेमंद होता। पहली ओवर मुझे तो कुछ लगा नहीं कि स्लिप रखने की ज़रूरत है। पॉइंट से चार जा रहा है गेंद, आउटफील्ड नहीं, आउटफील्ड लाहौर का थोड़ा सा अच्छा नहीं है, गेंदें इतनी आसानी से चार नहीं जाती। तीन दौड़ेंगे पक्का है, अरे आगे क्यों आ रहे हो यार, मारो उधर कीपर पे, बॉलर पे यार। विकेट रिस्क के लिए विकेट भाई, हाँ मैं रिस्क लेने में कभी नहीं घबराता भाई, मुझे तो अब टोटल मिलने वाला है, कितने का रन मुझे चेज करना है, तो मैं तो नहीं घबरा रहा भाई मुझे आप। पर हाँ मुझे स्लिप वाला लॉजिक लग नहीं रहा इसलिए मैं नहीं रख रहा, मुझे लॉजिक तो लगना चाहिए रिस्क में। मतलब आप बोल रहे हो कि बेटा तू 10 माल से कूद जा, कोई रिस्क नहीं है, पर भाई मैं रिस्क अपील आउट गॉन। सब लोग कहते थोड़ा दूर रखो दूर रखो, दूर क्यों रखूं भाई मैं, क्यों दूर रखूं यार, मुझे लॉजिक बताओ। हाँ DRS है, और मैं होता तो DRS लेता पक्का, क्योंकि गेंद गिरने के बाद लेग साइड थोड़ा सा जा रही, इन स्विंग हुई है, नहीं लिया DRS, चलो अच्छा है, डक पे आउट हुए हैं। आज मज़ा आने वाला है, ये गलत दिखा दिया, हाईलाइट मैच रिव्यू बिगाई दिखाओ भाई, मैं होता तो DRS लेता, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब कितना क्लोज है वो देखते हैं हम लोग, मैं तो पक्का लेता, मैं तो गारंटी से कह रहा हूँ। क्या बोला था भाई, गेंदें इन स्विंग हो रही हैं भाई, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको कब DRS लेना है कब DRS नहीं लेना है। इमरान बट मुझे नहीं मालूम, उन्होंने शायद हो सकता है आबिद से पूछा हो कि आबिद भाई रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आबिद ने ना बोला कि उनको ना लगा, लेकिन वो नॉट आउट थे। और मैं यहाँ से कब से कह रहा हूँ कि भाई रिव्यू ले, अब रिव्यू नहीं लिया तो उसमें मेरी थोड़ी ना गलती है भाई। लायंस करें लीव मत करना भाई, वो लोग लीव नहीं करेंगे, वो उसी गेंद को लीव करेंगे जिस पे उनको 100% पूरा फुल कॉन्फिडेंस होगा कि ये गेंद स्टंप पे नहीं जा रही। ये देखो ये अच्छी गेंद थी, भले चार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त गेंद था भाई, बॉडी से दूर रह के खेला है, और एज का चांस था, इनसाइड एज भी लग सकती है। मैं अभी तो सारी गेंदें अंदर डाल रहा हूँ, इन स्विंग करा रहा हूँ। इंडिया को ब्रेक थ्रू मिल चुका है जिसकी तलाश कर रहा था इंडिया, सवाल ये है कि दूसरा कब। हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में, मतलब क्राउड को थोड़ा सा जल्दबाजी जैसी फीलिंग होती है। अरे रन ले रहे हैं, मार कस के अंडर आर्म थ्रो, क्या यार। एक आबिद है एक अजर है, जो नॉन स्ट्राइकर पे हैं वो आबिद हैं, जो स्ट्राइक पर हैं वो अजर हैं। ओए यार मुझे ये चीज़, अच्छा अब इनको लग रहा है कि पैर सामने लाएंगे तो LBW हो जाएगा, अभी बल्ला सामने ला रहे हैं भाई, बहुत गंदा बोल्ड हो गया भैया, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ पहले ही कह दे रहा हूँ भाई। ये पाकिस्तान के प्लेयर की सोच है कि बल्ले से डिफेंस करो सामने लाके, उसके पीछे कुछ नहीं है। ओए बहुत बढ़िया गेंद, इंडिया OP परफॉर्मेंस दे रहा है। आयुष कह रहे हैं कि पुअर एम्पायरिंग, भाई DRS का ऑप्शन था आपके पास, मैं यहाँ से दूर से देख रहा हूँ, मैंने देखते ही कह दिया कि मैं होता तो DRS लेता, मुझे समझ नहीं आया इमरान ने क्यों DRS नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि आपको अब उनसे जाके जिद करनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं लिया आपने, उनसे सवाल करना चाहिए। आई एम नॉट द राइट कंटेंडर। ओरे स्क्वायर लेग, चौका होता अगर डिफॉल्ट फील्डिंग होती तो। अरे मैं फील्डिंग में खड़ा हूँ स्क्वायर पे, सही है बॉस, मैं स्क्वायर पे खड़ा हूँ। भाई एक आध कैच वैच भेजो यार, मेरा नाम लाओ स्कोर कार्ड पे, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान टूर में मेरा भी नाम आएगा। कैच, ए यार भाई बहुत सारा हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, नॉट आउट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यॉर्कर डाल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है मेरे में, एनर्जी बहुत सारी आ गई है, दूर से खेल रहे हैं, नहीं जाएंगे चौके भाई, खुद भी आगे निकलो, एक विकेट LBW है, सारी विकेट LBW थोड़ी ना होगी। पाकिस्तानी खेमे में आतंक मच गया है भाई कि विकेट खोएंगे, शार्दुल ठाकुर ने ब्रेक थ्रू दिलाया था, अब लग रहा है कि हर गेंद पर शार्दुल ही विकेट लेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा वो डाइव नहीं मारे,
भाई बंटा धार हो जाता। ठीक है, गेंदे कई बार मैं बिना टच के डाल रहा हूँ, कई बार और इनसाइड एज। रन आउट, रन आउट भाई, नजरे क्यों हटा रहा हूँ मैं, क्या यार। चलो ठीक है, आउट तो नहीं था ऐसे भी। बढ़िया रहा, गेंद मस्त जा रहा। स्लोवर डालो एक बार, LBW चांस है इस बार। सब सही रहा तो जैसा मैं सोच रहा हूँ, एग्जैक्ट एजेस यार। थोड़ा अंदर रख भाई, थोड़ा अंदर रख, गोल्डन चांस है यहाँ पे। यॉर्कर तेज मजा आएगा। यार भाई, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई आपके सवाल डिस्क्रिप्शन में ही है, टाइटल में ही है, तो प्लीज़ एक बार टाइटल भी पढ़ लो। कई बार सवाल बहुत बार जवाब दिए जा चुके होते हैं, थोड़ी देर बाद मैं देता हूँ उसका जवाब, पर एक बार हो सके अगर तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और टाइटल पे नज़र मार लो, एक नज़र मार लो कि समझ आ जाएगा। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है या तो फिर ऐसे ही है। बॉटम भाई, ठीक है, ये बॉटम ही तो बीट करानी है मुझे। बल्ले से डर नहीं है भाई, बल्ला तो बीट हो जाएगा, ये एजिस का मुझे डाउट है, एजिस बीट नहीं होती। अच्छी गेंदों है ना, जो अच्छी गेंदें होती है उस पर एजिस लग जाती है, बच जाते हैं आप। फ्लिक शॉट, स्क्वायर पे जाता हुआ यहाँ पर भाई। रोक ले। राहुल माथुर भाई, रॉस प्रियनर भाई, राहुल आप डिस्कॉर्ड पे हो फिर मैं आपको जवाब देता हूँ, अगर नहीं हो डिस्कॉर्ड पे तो अगर आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे Q&A करके पेज है, उस पर मैंने सवालों के जवाब दिए हुए हैं। और हाँ मैं फिर से कहूँगा, जितने लोग इस समय स्ट्रीम देख रहे हैं ग्राउंड शॉट, अगर आप एक कम्युनिटी से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड चलाना सीख लो भाई। डिस्कॉर्ड मतलब अगर ग्रुप्स की बात आती है, हाँ हेल्पफुल नहीं रहता लेकिन कम्युनिटी के मामले में बहुत सॉलिड है। Waiting. तो डिस्कॉर्ड चलाना सीख लो भाई फटाफट। यॉर्कर तेज गेंद दें, 3 का रन रेट। अरे यार पहली बार ऐसा हुआ है ना मेरे ख्याल से, Wait. भाई पहली बार ऐसा हुआ है हमारे चैनल पे कि 5 ओवर हो गए हैं और AI का रन रेट 4 के नीचे है और AI शॉट ही नहीं ले पा रहा, कोई भी शॉट नहीं ले पा रहा, उसके सारे शॉट आप देख रहे हो एकदम बेकार हो जा रहे हैं यहाँ पे। फ्लिक शॉट, ये गैप में खेलते हुए शॉट भाई, मज़ेदार हो रहा है मैच क्योंकि AI से शॉट लग नहीं रहे या AI लगा नहीं रहा, जो भी है प्रेशर में है इस वक्त। मतलब सीधी बात कहूँ तो मुझे समझ नहीं आती, ये कोई गाना है ऐसा मैं भूल गया, सीधी बात बोलूँ तो समझ नहीं आती, पता नहीं है कुछ है गाना पर मुझे लिरिक्स उसका रिदम नहीं आता था, एक सीधी बात बोलूं तो समझ नहीं आती, पता नहीं। खेल रहे हैं अजहर अली और ये लक का मामला है। चलो ठीक है, ऐसे भी लेग साइड ही आ रही थी, LB भी नहीं है, बोल्ड भी नहीं है, इसीलिए कहता हूं भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका इनके जो एजिस वेजिस है ना, मिडलिंग का टेंशन नहीं है क्योंकि मिडलिंग तो बहुत रेयर हो रहा है। फिर से पैरों पर रन आउट चांस मार दे, याद कर रहे हो यार। AI बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा भाई, थोड़ा तो दया दिखाओ मेरे पे कभी तो बोल दो कि संगीत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, होता है यार कई बार मैं भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता हूँ। अगर अनिल कुंबले ने 10 विकेट निकाली थी तो उस दिन ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान खराब खेल रहा था, अनिल कुंबले ने अच्छी गेंदबाजी की थी भाई, या कोई भी खिलाड़ी जब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस देता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ख़राब खेल रहा था इसलिए उसने अच्छा दे दिया, वो खुद भी अच्छा खेल रहा था जनरल से। ये तो गजब है भाई, मतलब मैं अच्छा खेलूं मतलब सामने ख़राब। yep. फील्डिंग सेटअप तो देखो, आते ही मैंने 2 फील्डिंग सेटअप में बदलाव किए हैं, अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि स्क्वायर लेग नहीं जाने वाला शॉट, अरे स्लिप में नहीं जाने वाला शॉट।
भाई हाँ गाना तो याद आ गया, आता माजी सटकली। हाँ भाई आता माजी सटकली, पर ये क्या हुआ यार, खेल रहा बताऊँ। मैं एक बात कबूल कर रहा हूँ, गलती मेरी है। मेरी जनरली आदत रहती है कि जब मैं गेंद छोड़ देता हूँ उसके बाद मैं एक बटन दबा देता हूँ। मैंने बटन दबा दी थी, मुझे थोड़ी ना मालूम था वो कैच होगा। अरे यार पूरा बंटा धार यार, ये क्या हो गया, कैच ड्रॉप यहाँ पे आबिद का अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दोनों अली अली है ना, अजर आबिद का, आबिद का, आबिद का कैच ड्रॉप यार। भाई केएल राहुल है, ईशान किशन कहाँ खेल रहे हैं ये मैच। इनसाइड एजेस, इनसाइड एजेस, चार नहीं चार नहीं चार नहीं चार नहीं, मार 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 स्टंप पे मार तेजी से ठाकुर। क्या यार, मुझे अब मुझे थोड़ा डाउन डाउन वो खराब लग रहा है यार यहाँ पे। मुझे खराब इस बात से लग रहा है कि यार अब मैंने खुद ने उनको मौका दे दिया यार, ये नहीं करना था, जानबूझ के तो नहीं किया लेकिन ये क्या था यार। चलो कोई नहीं भाई, वापस से अपने अच्छी गेंदबाजी करो, विकेट मिलेगी सफर। इसे कहते हैं भाई एफर्ट डाल के विकेट निकालना। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कितनी अच्छी लाइन लेंथ, कितना अच्छा परफॉर्मेंस, बस विकेट के इतना करीब, दिख भी नहीं रहा होगा उतने करीब है हम लोग। यॉर्कर बनती है, यॉर्कर बनती है। वेरिएशन देखो भाई, वेरिएशन। आई आबिद जो भी हैं 10 के अंदर ही कैच ड्रॉप हुए हैं दोनों के, बता देता हूँ। रुको आबिद का तो 8 रन पे कैच ड्रॉप हुआ है, 8 रन का फ्लिक। अरे यार ये फ्लिक में बहुत रन मार, फाइनल लेग अंदर आ रहा है। हाँ यार फाइनल लेग अंदर रखना, क्या यार तू भी भाई, कोई बोल भी नहीं रहा कमेंट सेक्शन में कि भाई फाइनल लेग अंदर ले आओ, सारे रन वहीं से बना रहा है ये बंदा। एक्चुअली है ना फाइनल लेग में पीछे रखा हूँ तो मुझे एक फ़ायदा है कि स्क्वायर वाला अगर मिस कर रहा है तो भी फाइनल लेग पकड़ ले रहा है। अब मैंने फाइनल लेग अंदर ले आया है, चलो देखते हैं क्या होता है। पैर बैट से डिफेंस, मतलब पैर वैर कुछ चला ही नहीं, बस डिफेंस किया है खाली। यॉर्कर स्ट्रेट हिम्मत दिखानी चाहिए मेरे ख्याल से, अटैकिंग खेलना चाहिए पाकिस्तान को थोड़ा सा। बेचारे खेलना शुरू भी करते हैं तो दांव हो जाता है यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है मिडल पर है गेंद, अगर आउटसाइड है इसका बढ़िया चांस। मिडलिंग मारा, मिडलिंग मारा, अच्छा शॉट, अच्छा शॉट। पहली बात तो मैं पता है विकेट क्यों चाहता हूँ, तो दोनों के नाम सेम है, मैं प्रॉपर कमेंट ही नहीं कर पाता किसी कौन क्या कर रहा है। तो बेहतर है, पहला रीज़न तो ये कि दोनों आउट हों, दोनों में से कोई एक आउट हो। बाउंसर ट्राई करने को कह रहे हैं, बाउंसर का मेरा मन नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ कमेंट के कारण। मेरा मन नहीं है बाउंसर, मुझे नहीं लग रहा बाउंसर विकेट दिलाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। जब मैं इनको बाउंसर डालता हूँ ना तो ये पहले से ही क्लियर है भाई इनको कि बाउंसर को ये या तो लीव डिफेंस। बहुत रेयर होता है कि शॉट्स लेते हैं कुछ खुल के, खुल के शॉट्स बहुत रेयर मैंने देखा है इनको, बहुत रेयर। और आप अगर एक बाउंसर डाल रहे हो तो चांस बहुत कम है कि वो, मैं फिर से डाल रहा हूँ बाउंसर। अब आप लोगों ने थोड़ा सा भूत चढ़ा ही दिया है मेरे को, तो आउटसाइड एज में चौका नहीं चलेगा यार, चौका मतलब पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है। गेंदें इतनी ऊँची गई भी नहीं है, तो बल्लेबाज की गलती, लेकिन अब उसमें गलती गलती की बात छोड़ो, फ़ायदा पाकिस्तान को हो गया। ये हाईलाइट है आज की, फिर बाउंसर, इस बार पंच गैप ढूंढ रहे थे, पॉइंट पर रूम दे रहे थे, बना नहीं। स्पिनर को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत बहुत कड़ा वो कर रहे हैं, कड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं इंडियन तेज गेंदबाज। मैं तो सोच भी नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है स्पिनर गेंद क्रिकेट खेलते ही नहीं है, मुझे ऐसी फील आ रही है इन दोनों की गेंदबाजी करते हुए देख के, क्योंकि इतना परफेक्ट गेंदबाजी की है ना। मैं जहाँ डाल रहा हूँ जैसा डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट 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 कह रहा हूँ वर्ड, क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है, लेकिन काफ़ी सही रहा है। ये नहीं चलेगा, ओवर थ्रो नहीं चलेंगे। क्रिकेट 22 का एपिसोड का लाइक गोल पूरा हो गया भाई, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको पता है भाई कब आ रहा है एपिसोड। यार मुझे लगता नहीं है मुझे बार बार बोलना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा भाई। जिन्होंने सब्सक्राइब किया भाई उनको तो ये भी मालूम है कब आएगा, कितने बजे आएगा, तो जब जो लोग देखने वाले हैं उनको पता ही है, तो फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा इसलिए। ओ शॉट नहीं आ रहा है बेचारे से,
और रीज़न समझ नहीं आ रहा मुझे कि पाकिस्तान में, मतलब इंडिया अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है वो तो मुझे पता है, लेकिन पाकिस्तान से क्या गलती हो रही है कि वो रन नहीं बना पाए। कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है भाई, कहीं कुछ तो मिस्टेक है, तभी तो रन नहीं बन रहे ना। एजिस से जा रहे हैं चौके, मिडलिंग हो नहीं रहे, जो मिडलिंग हो रहे हैं वो भी उसमें भी कोई दम नहीं है शॉट में, आउटफील्ड साथ देगा नहीं आपका, तो आप रन बनाओगे कैसे एजिस के थ्रू? कितने रन भाई। ये देखो, ये इनका मिडलिंग था जो सीधा फील्डर के पास। सुजय कह रहे हैं AI कांट हिट द शॉट्स भाई, पर क्यों नहीं कर पा रहा वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरे को तो अच्छा ही है, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में ताकि अगले मैचेस में काम आए ये फंडा। आ स्ट्रेट शॉट, ये मैंने पहले ही कहा है कि अगर सामने मारते हैं तो सबसे तेज जाता है शॉट, सबसे आसानी से शॉट स्ट्रेट में जाते हैं। चौका इस बार अब आबिद नहीं अजहर अली के बल्ले से, अच्छा शॉट था ये तो। मैंने भी बहुत मारे स्ट्रेट शॉट, मैं क्रिकेट 19 में ज़्यादा नहीं खेलता था, और खेलता था तो लॉफ्टेड खेलता था जनरली, ग्राउंड शॉट्स मैंने क्रिकेट 22 में ही खेलने शुरू किए स्ट्रेट में। लीव करना, चौका मार दिया यार, ओवर के रन आ गए, अब काहे का टेंशन, अब काहे का रिस्क। और हाँ, अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो पहली बार इस सीरीज़ में हमें टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ देखने को मिलेगी। गैप में फिर से जा रहा, एक नहीं एक चौके से संतोष मिला ही नहीं इनको, दो लगा दिए यहाँ पे, इम्प्रेसिव। स्पिनर्स का रास्ता खुल रहा है भाई, जो लोग स्पिनर्स का वेट कर रहे हैं ना, ये ओवर के बाद स्पिनर्स की याद आ रही है मुझे, गाना गा रहा हूँ मैं तुझे, मुझे तेरी याद सताने लगी, जो भी है गाना। बॉटम यॉर्कर ऑफ साइड भाई, शमी पिछला ओवर ख़राब रहा है तेज गेंदबाज का। अजहर अली और आबिद अली दोनों अच्छे हो गए हैं, थोड़ा सा कहना पड़ेगा भाई, 30-30 गेंदें ऑलमोस्ट 25-25 खेल लिए दोनों ने गेंदें, तो 25 गेंदें खेलने के बाद एटलीस्ट आपको समझ में आने लगता है कि आप किस मैदान में किस तरह की पिच पे खेल रहे हैं। ऊपर से डे 3 है, फील्डिंग आपने कर ली एक इनिंग, इससे पहले बैटिंग कर ली, शुरुआत की 10-20 गेंदों में बंदे को समझ में आने लगता है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कैसा फील्ड है, हर तरीके की गेंदें खेल लिए यहाँ पे। यॉर्कर थोड़ा स्लो रखना चाहता हूँ, पर अभी नहीं, अगली गेंद को रखेंगे, इसको तेज रखना है अभी। मुझे डर, वो अफसोस हो रहा है यार जो कैच ड्रॉप किया था ना। ठीक है, अब स्लोवर, अरे स्लोवर को स्पेशल स्लोवर ही डाला है मैंने, मैंने इन स्विंग आउट स्विंग को स्लोवर नहीं रखा। कैच, फाइन लेग के पास उछला है, खाली उछली है, कैच नहीं था यहाँ पर। ठीक है, मैं सीधी गेंद कर रहा हूँ अभी तक, और कुछ टच नहीं कर रहा है यहाँ पर भाई, ऑलमोस्ट एक एक ओवर ही बाकी है दोनों का, डोंट वरी, इंजरी नहीं आएगी, इंजरी का मूड है भी नहीं मेरा, क्योंकि इंजरी आना मतलब फिर तो कोई बचा ही नहीं मेरे पास, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अगर आपने एक लंबा स्पेल कराया तो उनको भी लंबा आराम चाहिए होगा। लास्ट ओवर, चलो भाई मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ, लास्ट ओवर शार्दुल ठाकुर का, ये तो कन्फर्म है शार्दुल का तो लास्ट है ही, पिछला ओवर ख़राब रहा था, विकेट ले लें तो मैं सोचूं भाई क्या करना है, बाकी तो नहीं। यॉर्कर स्लिप को हटाओ, फ्रंट पे डालो भाई, नहीं फ्रंट, ओ ये गियर बदलता हुआ गाड़ी का, पहले गियर में, मतलब पहले गियर क्या न्यूट्रल में ही रखी है गाड़ी मोस्टली, तो नो बॉल भी थी, अच्छा पड़ गए थे क्या, लगा मुझे पड़ गए थे शायद, तभी मार पाए, इतना आसान, इतना गियर चेंज नहीं करता कोई कभी, पता लग गया था उनको, लगता है हिंट मिल गई थी थोड़ी बहुत। चलो भाई आ जाओ बाउंसर, भाई बाउंसर तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि चलेगी, मुझे पता नहीं क्यों यार, मैं बाउंसर को मतलब क्रिकेट 1922 पता नहीं कौन सी गेम में मैंने यूज़ करके विकेट निकाले हैं, बड़ी ब्रेक थ्रू भी निकाले हैं, ओ अरे यार हो गया था, आ गई थी विकेट, बॉडी पे लगी पर स्टंप की तरफ जा रही थी गेंद, लेकिन ठीक है, एक स्लोवर डालो, ये मारेगा, लॉफ्टेड मारेगा शायद यहाँ पर, ए स्क्वायर वन बाउंस, खेल रहा है शॉट, खेल रहा है अच्छा है यार। शाहीन अफरीदी ने लास्ट बॉल पे सिक्स मारा PSL ने, भाई मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन उनका जो ऐसा सेलिब्रेशन है ना उसका फोटो शाहीन अफरीदी ने जरूर डाला था, वो मुझे पता है। फ्लिक शॉट, समझ गया बंदा, अब घुमा नहीं रहा बंदा,
शार्दुल ठाकुर का ओवर समाप्त। शमी का स्टेमिना एक्चुअली डाउन है, मैं चलो एक बाउंसर और डालता हूँ फिर सोचते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो, रुकेगी तो नहीं, थका हुआ है, मैं थक गया हूँ बहुत बुरी तरह से। दौड़ यार संगीत क्या कर रहा है, अरे यार रुक जाती बाद में दौड़े यार। ये रोक ली पता नहीं कैसे रोक ली लेकिन शायद चार रन ले लिए मेरे ख्याल से। हाँ यार चार रन दौड़ के ले लिए, स्टंप मिस हो रहे थे भाई यार, स्टंप मिस बॉटम। सुजा लतीफ कह रहे हैं उसने तब हिट किया जब, फिर कौन जीता भाई, उसके बाद कौन जीता, शाहीन की टीम जीती, सामने जो टीम थी वो जीती, सुपर ओवर में गया था मैच कह रहे हैं। अभी तो वो भी ट्रेंड, वो भी देखा मैंने कि वो हैरी श्रॉफ ने किसी को झापड़ मारा मतलब कैच ड्रॉप हुआ था, गले मिलते समय ऐसे मारा झापड़, कि कैच क्यों ड्रॉप किया था, कोई एम से नाम था उनका, भूल गया मैं। क्रॉस खेल रहे हैं, क्रॉस मत खेलो अगर टिके रहना है ज़्यादा देर तो। स्पिनर्स अभी रुको भाई, ये तेज गेंदबाज थोड़ा सा उम्मीद जगा देते हैं मन में मेरी, बहुत ज़्यादा ऑफ साइड, फुल आफ्टर टच यूज़ किया। ठीक है शार्दुल को मैं एक और ओवर दे रहा हूँ, प्लान में नहीं था लेकिन दे रहा हूँ एक ओवर, मुझे लग रहा है कि ये लास्ट ओवर है, ये कंफर्म। नो बॉल ना डालो यार। आई एम अ न्यू सब्सक्राइब भाई, थैंक यू जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है भाई, शुक्रिया। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर है वो तो भाई धन्यवाद के लायक हैं। कामरान को मारा था, अच्छा के से नाम था, बिग हिट। अरे यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्या दिक्कत है भाई अजहर को, आप इससे अच्छा खेल रहे हैं। कामरान गुलाम, अच्छा एंड में नाम के लास्ट में एम था, ठीक है। शॉट तो मतलब चौका मार दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो साइड चेंज कर जाते जाते जब एक्सपेरिमेंट कर ही रहा है, लास्ट ओवर है तो भाई एक्सपेरिमेंट करते हुए जाना। राइट आर्म राउंड द विकेट, क्रॉस गेंद है, फ्लिक नहीं मारने देना, फ्लिक में चार है इसलिए अगर फ्लिक मारा तो चार गारंटी है। कैच वन बाउंस और गेंद इतना ऊंचा नहीं आ रहा, वो पुल मार रहे हैं, हुक नहीं मार रहे हैं, मुझे हुक वाला गेंद डालना है, और ऊंचा डालता हूं, चलो ठीक है और ऊंचा डाला है। अब इससे ऊंचा पता नहीं क्या होता है, इससे ऊंचा तो शायद वाइड भी हो सकती है, ये पकड़ना, हाँ ठीक है थैंक यू, मुझे लगा ड्रॉप होगी, वाइड होगी, ये ज़्यादा बाउंस हो गई। अब यॉर्कर, अब मज़ा आएगा, यॉर्कर स्लो है, कैच ड्रॉप महंगा पड़ गया भाई, यस कैच ड्रॉप महंगा पड़ गया। अब मैं अपील करने जा रहा था बिना देखे ही, शार्दुल का लास्ट ओवर है रोशन भाई, यहाँ पे लास्ट ओवर है, स्टेमिना मुझे पता है, स्टेमिना पे नज़र है मेरी। स्पिनर आ रहे हैं शार्दुल की तरफ से, शमी का देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। लास्ट ओवर अच्छा गया था भाई यहाँ पे, एक कटर बनती है लास्ट में, लास्ट गेंद, इसके बाद मुझे लग नहीं रहा इस सेशन में इनको विकेट, इनको गेंदबाजी मिलने वाली है। चार रन यार, यही होना बाकी था भाई, दौड़ ले संगीत, ये मैं हूँ जो गेंद के पीछे जा रहा है, मैं एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया हूँ, मेरे नाम का प्लेयर है ये, कीपर ये क्या कर रहा है भाई, ये थप्पो थप्पो, ये रन दौड़ गया, अरे यार हो जाता आउट तो मजा आ जाती, 50 की पार्टनरशिप, सेशन समाप्त। ये क्या था, हम कह रहे थे कि इस गेंद के बाद इनको ये तो गारंटी है कि इस सेशन में विकेट ओवर नहीं मिलेगी, यहाँ पर तो ये लास्ट गेंद, इनके सेशन का लास्ट गेंद निकला, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि भाई एनर्जी वापस से आ जाएगी दोनों प्लेयर्स की। ये कुछ आज के शॉट्स हैं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने लगाए हैं, कुछ एजिस थी, कुछ आऊँ पाऊँ लगाया है, कुछ अच्छा लगाया है शॉट, अंत में अच्छी बैटिंग कर रहे थे पर ब्रेक पड़ गया, ये अच्छे शॉट्स हैं कवर के ऊपर से, कवर पे अच्छा मारा, मिड ऑफ पे अच्छा मारा है शॉट्स, अग्रेसिव भी दिखाया, ये देखिए बहुत अच्छा बैट स्विंग। तो 55 पर एक लीड पहुंची है 69 पे, इंडिया के पाकिस्तान की लीड 69 पे, डे 3 सेशन 2 शुरू हो रहा है, यहाँ पे स्टेमिना कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है तो ठीक है यार, ठीक है लीव कर रहा है, कर लीव कर, अभी पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, देखो सिनेरियो व
फ्लिक बचाइयो, फ्लिक नहीं करने देना, फ्लिक नहीं करने देना भाई। फ्लिक में सबसे आसान रन है, 2-3-4 स्टेमिना भी जाएगा फील्डर्स का। और तो अच्छा है कि मैं खड़ा हूँ, मेरी ना बैटिंग आने वाली है ना बॉलिंग आने वाली है, लेकिन अगर कोई और दौड़ेगा तो उसका स्टेमिना बहुत सारा जाएगा। ठीक है, आबिद खेल रहे हैं, इनका कैच ड्रॉप हुआ था 9 रन पे 8 रन पे, उसके बाद इन्होंने देख सकते हैं आप 19 पे पहुंच चुके हैं और एक अच्छी पारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अच्छी पारी हुई नहीं है लेकिन 10 रन तो कम से कम लगा चुके हैं कैच ड्रॉप होने के बाद। आराम कर लिया भाई, मुझे लगता नहीं है शमी ने आराम किया, स्टेमिना उनका कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। शार्दुल का एक बार देख लेते हैं फिर करते हैं कुछ प्रॉब्लम। एजेस बॉटम शॉट 69 भाई, 69 की लीड है। चलो ठीक है, सरप्राइज ही गेंद थी भाई, एजिस लगी है। ओए सिराज आया पानी लेके, भाई बैटिंग बॉलिंग भी करने भेज दो कोई, ये गजब नाटक है कि बैटिंग में पानी लेने आएंगे पर ऐसा नहीं कि बैटिंग में आ जाएं, 5 गेंदे 10 गेंदे 20 गेंदे खेल लें। शार्दुल ठाकुर का स्टेमिना रिकवर हुआ है पर मैं हटा रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ अश्विन को, बाद में देखते हैं जड्डू वाला इंतजाम करते हैं, जड्डू को अगर लाना है तो लाते हैं, अभी तो मेन अश्विन को लाना है। यार फ्लिक मत लगने दे, फ्लिक मत लगने दे, ये दिक्कत है यार स्पिनर्स में, स्पिनर्स में है ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखो 17 नंबर ऋषभ पंत की हालत सोचो क्या होगी, अच्छा है बॉलिंग नहीं करनी उनको। मैं भी देखो खड़े हो गया तो मैं भी दौड़ा हूँ गेंद के पीछे, डाइव मारा था मैंने, मेरे प्लेयर ने डाइव मारा था, लेकिन ये देखो कोई मतलब नहीं ऐसे डाइव का, साइड चेंज करो पहले, तो फ्लिक मत लेने देना बस। फ्लिक नहीं ले पाए तो मतलब समझो इनके आधे रन तो वहीं रुक गए, लॉफ्टेड मारना पड़ेगा इनको। एक चौका आ चुका है और सेकेंड इनिंग की फर्स्ट बॉल पे ही फील्डिंग थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है मुझे स्पिनर्स के सामने, मुझे आगे लाने पड़ेंगे दो प्लेयर, एक प्लेयर कम से कम, और शायद देखते हैं फाइन लेग भी सोच रहा हूँ मैं आगे लाने का, पहले शॉट्स देखने दो। मैंने मिस फील्ड कर दिया, अरे मैं तो कूद गया भाई, मुझे लगा कोई ना कोई शरीर का हिस्सा तो जरूर लगेगा। ये देखना भाई फिर से चार नहीं, दिक्कत हो जाएगी। पानी नहीं पिया सेशन में भाई, पीते हैं प्यास लगेगी तो पियेंगे। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ दूसरा ब्रेक थ्रू कैसे मिलेगा, क्योंकि मुझे 8 ब्रेक थ्रू निकालने हैं, क्योंकि अभी तो हमने एक विकेट निकाला था LBW, वो भी आउट था नहीं। शमी एक और ओवर कर रहे हैं, शमी एक और ओवर कर रहे हैं भाई, ब्रेक थ्रू यार, शमी को एक भी विकेट नहीं मिला, कितनी अनलकी। ए रन आउट भाई, चांस है, मार। ए बीच में क्यों आया, अरे आउट था, बीच में आ गया यार ये शमी तो, पर क्यों किया इसने ऐसा मुझे समझ नहीं आया। अरे यार भाई ये क्या था, ओ स्टंप पे जा रही थी, अरे मैंने मारा स्टंप पे था, क्या नाटक है यार, मैं गेम के लॉजिक की ऐसी की तैसी भाई, क्या नौटंकी मारी यार, क्लीन आउट था ये देखो। अरे बाप रे ये, अरे तू हिला भी देता स्टंप तो भी चलता, अब अभी भी नहीं पहुंचा है, अब जाके कहीं ना कहीं क्रॉस किया है यार। क्या चल रहा है इस गेम में यार, ओए आउट गया था लास्ट टाइम, पिछली बार आउट दिया था यहाँ पे। एक स्लोअर डाल, मजा आएगी, वो बहुत तेज डाल दी यहाँ पे। अरे यार फ्लिक वाले शॉट नहीं भाई, 4 रन, अरे दांव हो गया मेरे साथ, बहुत गंदा वाला वाला, वो उम्मीद ही नहीं थी, वो आया कहाँ से, उसे कहाँ से आके पकड़ा, नो आइडिया भाई, किसी को आइडिया नहीं। अरे यार अभी कैसे मौका बनेगा, 40 पे पहुंच गया यार, देखते ही देखते ज़्यादा हो गया थोड़ा, 40 रन ज़्यादा हो गए, बंदा लग नहीं रहा था 40 तक पहुंचेगा, बैटिंग ही ऐसे कर रहे थे धीरे धीरे, चुक चुक चुक, ये तो रन कम बैक मार गया अपना, 4 नहीं जान देना, प्योर विकेट था भाई, हाँ प्योर विकेट था, स्लोअर स्टंप की थोड़ा ऑफ साइड रखियो। बॉटम कैच,
यार, गिर गई नीचे। अरे अश्विन भाई, डबल क्लिक हो गया भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ जो भी होगा इस पे। कैच तो नहीं होने वाला। सिराग को लाओ भाई, सिराग कोई नहीं है इस मैच में, ना इस मैच में है ना टीम इंडिया के साथ गया है प्लेइंग 13 में, 13, 15, 16, 17 जो भी, कोई सिराग नाम का प्लेयर नहीं है। सिराग नहीं कर सकते गेंदबाजी। कल का मैच देख लो भाई, समझ में आएगा क्यों ऐसा है। क्लिक शॉट, अभी मैं क्या करूं इसका भाई, फ्लिक का, अरे नाक में दम कर दिया भाई फ्लिक ने। सबसे ज्यादा रन वहीं से आ रहे हैं फ्लिक से ही। अभी मैं अगर उसको ऊपर लाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, स्लिप में हटा नहीं सकता। अब ऑफ साइड पे गेंदे कर रहा हूँ मैं तो, अच्छा खासा ऑफ साइड पे कर रहा हूँ गेंदे, फिर भी नहीं हो रही। एजेस, ये अच्छी गेंद थी, इतना ज्यादा बाहर रखनी है गेंद, चलो इतना बाहर रखते हैं। अब ब्रेक, कैच, रन आउट। समी का स्टेमिना खत्म हो गया है, चेक करने दो भाई ओवर के बाद हमें। एक लास्ट गेंद में दूसरा डाल रहा हूँ, और चौका लगा नहीं ओवर का, लगा सकते हैं ये। ओ लगा दिया, लगा सकते नहीं, लगा दिया भाई यहाँ पे। शमी का स्टेमिना चेक करना है, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा हुआ याद दिलाए, मतलब अच्छा हुआ नज़र थी सिराज। मैं तो डर गया, क्योंकि सिराज का ब्लैक मार्क है ना दूसरे नंबर पे आता था, मुझे लगा शमी भी गए, ऐसा लगा मुझे, बच गया। लेकिन ठीक है, लैपटॉप है, और ब्रेक कराते हैं। रविंद्र जडेजा नाम है इनका, फर्स्ट बॉल है जिसकी उम्मीद थी, बच गए हैं। आबिद इस समय बैटिंग कर रहे हैं, जो धीरे खेल रहा है ना बंदा वो आबिद है, जो धीरे खेल रहा है वो अजहर है। मैं उल्टे खिलाड़ी की तारीफ कर रहा था, एक्चुअली मैं उल्टा हो गया गेम। अजहर धीरे खेल रहे हैं, आबिद तेज मार रहे हैं, गजब नाटक है। बैक फुट, कैसे डिफेंस हो रहा है, बेकार वाला। गेम का नाम है क्रिकेट 22 भाई। यहाँ पर कैलकुलेटर मोबाइल्स में नहीं चलता, पीसी और कॉन्सोल्स का गेम है। गैप नहीं, वो फ्लिकी मारने वाला है। इंडिया के स्कोर कार्ड आपको वीडियो की शुरुआत में दिख जाएगा भाई, आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करें, मस्त दिख जाएगा पूरा स्कोर। कैच, गैप में, ये यार लेग साइड पे ही मार के रन मार, मोस्टली फ्लिक ही मार के मारे हैं इसने रन, इसके अधिकतर रन है। मैं जानबूझ के लेट थ्रो दूंगा, देखूंगा क्या होता है। अरे यार फंस जाता तो मज़ा आ जाती, फंसा नहीं, लेकिन चालाक है। थोड़ा दूर जाओ, एम्पायर से दूर जाओ, अच्छा इससे ज़्यादा दूर नहीं जाता, कोई बात नहीं। बाहर की तरफ गेंद कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ पॉइंट पे खेलें, खेल ही नहीं रहा पॉइंट पे। इस बार खेला अश्विन, तीसरा ओवर है इनका, ग्राउंड शॉट, अब ऑफसाइड खेल रहे हैं। अरे गैप मिलता हुआ, मुझे लगा जैसे फील्डर ने एफर्ट नहीं डाला। विराट कोहली गेंद के पीछे, डरा ही नहीं कोई, जनरली डर जाते हैं विराट गेंद के पीछे जाते हैं ना, तो दो रन की जगह एक ही रन निकालते हैं कई बार। इस बार पता नहीं क्यों ऐसा किया। डिफेंस कर रहे हैं, अजहर अली हैं, जो धीरे खेल रहे हैं वो अजहर हैं, जो तेज खेल रहे हैं 44-53 वो आमिद हैं। मौके दोनों प्लेयर को मिल चुके हैं एक एक। ओए स्टंप्स की काफ़ी करीब पाई है, और उठ गए हैं हमारे कियांश यहाँ पे, देख रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं मैच, सब उनको पता है। स्विप शॉट, इसी बीच बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, गुड कमबैक, गेंद बहुत जल्दी आई वापस, लग नहीं रहा था इतनी जल्दी आ पाएंगे भाई। नए लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं इस बीच, शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, लाइक के थ्रू यार एटलीस्ट सपोर्ट दिखाना मिनिमम, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ये तो भाई बंदा सेट हो रहा है, आबिद अजहर दोनों अली अली बन रहे हैं यहाँ पे, अली अली दम अली अली। अब इनको कुछ ऐसी गेंद डालनी पड़ेगी, टॉप स्पिन डाल रहा हूँ बाउंसर वाली, इस पर क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा देखना। टॉप स्पिन अब फ्लाइट कराई है, कैच, ओ लेकिन ये ओ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे ओ लगभग 20-30 बार आ चुके हैं, तो ऐसे ओ का होना ना होना का कोई मतलब नहीं है जब तक विकेट नहीं मिलती। 50 होने वाला है, अरे यार डिफेंस मार रहा है, अब आगे डालो एकदम, ठीक है टॉप स्पिन। कियांश को ये पता लग गया है, पता है कि जब मैं इस तरह से कमेंट्री कर रहा हूँ, इस तरह से बोल रहा हूँ ना, तो जल्दी मतलब हैरान नहीं करने का मुझे। ए यार
देखा नहीं जाता कई बार। कौन जा रहा? अच्छा मैं ही जा रहा हूँ। वाह बेटा भाई, जो बंदा गिरा है वही उठा बेचारा, वही लेने गया है गेंद। सोचो कैसा दिन आ गया है। मतलब बाजू वाले फील्डर जा सकता था, मिड विकेट वाला जा सकता था, पर मिड विकेट वाला गया नहीं। पता नहीं क्यों नहीं गया, मुझे भी नहीं मालूम। आशीष कह रहे हैं नॉटिलस खुद को रॉकस्टार स्टूडियो समझ रहा है। भाई समझा नहीं मैं क्यों। एक चीज हो रही है, गेंदें ऑफसाइड पे जा रही हैं, बल्लेबाज लीव कर रहा है, केएल राहुल स्टंप उड़ा रहा है, फिर अपने आप स्टंप जुड़ जा रहे हैं, फिर अगली गेंद डाल रहा हूं मैं। इस बार शॉट ले लिया। टॉप स्पिन डालूं क्या? पूछना क्या भाई, पूछ को कौन सा कहावत है, पूछ पूछ कुछ है ना। कैच, अरे तेरी यार। एक तो एनिमेशन ऐसा है कि लगता है कि एफर्ट कर देगा, पर हकीकत में वो एनिमेशन का मतलब ये है कि कैच ड्रॉप, 10 रन। ये लोग तो भाई स्पिनर्स तो निराश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक मिनट भाई, कुछ अलग सोच रहा हूँ मैं। स्पिनर से बात बन नहीं रही, कुछ अलग करना होगा यहाँ पे। स्क्वायर डीप जा रहा है, स्क्वायर डीप जा रहा है, फाइन लेग अंदर आ रहा है, लेग स्लिप में कन्वर्ट होगा, और ठीक है, और ठीक है, और कुछ बदलाव नहीं है। ये दो मेजर बदलाव किए हमने। स्पिन यार जब होना चाहिए तब होता नहीं है, पहले स्पिन करने का मतलब नहीं। दूसरा जब होना चाहिए तब नहीं होता, मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा था जब स्पिन होना चाहिए यहाँ पे दूसरा होता, मजा आ जाती, हुआ ही नहीं गिरने के बाद। कितना बढ़िया चांस है जिसका, सब मिस हो रहे हैं यहाँ पे। अरे नाइस बॉलिंग। वो एक गेंद पे तो मारेगा, पर बहुत अजीब खेल रहा है, तीन गेंदों पे उसने डिफेंस किया यार। मतलब एक बड़ा शॉट मारेगा, कहाँ मारेगा वो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना डिफेंसिव खेलते खेलते फिर बड़ा शॉट मारना, अलग एटीट्यूड चाहिए यहाँ पे, कुछ अलग ही एटीट्यूड चाहिए। कियांश अपनी मस्ती में मस्त है भाई, मैं अभी नहीं ले सकता उसको, क्योंकि उसको लेना मतलब फिर वो हैरान हो जाएगा फिर। तो स्क्वायर कट, और चार लग नहीं रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नंबर 54 मयंक अग्रवाल, दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे, आउट नहीं है, इम्पॉसिबल यार, डायरेक्ट लगे तो आउट हो, बाकी नहीं होने वाला कुछ। 50 हो गए भाई, बढ़िया बैटिंग, 61 में क्या, क्योंकि लग नहीं रहा था ये 15 रन भी मार पाएंगे। उसके बाद इन्होंने अच्छी बैटिंग की है, 51 लगा दिया और तेज़ी से लगाया है। पाकिस्तान के रन रेट को आप कह सकते हो कि 4 के ऊपर जो पहुँचाया है इन्होंने पहुँचाया है। 62 गेंदें 51 रन, नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो 65 गेंदों में सिर्फ 36 रन ही हैं। गैप नहीं देना, गैप नहीं देना, ठीक है। लास्ट बॉल सही से, भाई उसने पहले ही उसको मिल गया रन जो चाहिए था। तो पछाड़ रहा हूँ, फुल पछाड़ रहा हूँ, स्पिनर इससे ज़्यादा पीछे नहीं कर सकता। ये जो मैं लाइन पे कर रहा हूँ ये लास्ट गेंद है स्पिनर्स के लिए, पछाड़ने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पछाड़ सकता हूँ। 9 रन पे कैच ड्रॉप भारी पड़ गया भाई, बहुत गंदा वाला भारी पड़ा, गंदा नहीं बहुत गंदा। आम बॉल, LB तो नहीं होने वाला इस पर, मैं तो बोल्ड और एजिस की उम्मीद में हूँ। फाइन लेग भी रखा है कि वो ये शॉर्ट लेग भी रखा है, क्या शॉर्ट क्या स्क्वायर लेग, लेग स्लिप कि वो फ्लिक फ्लिक करे और बीट हो, और कहीं अगर फ्लिक में एज लग जाए तो काम बन जाए, क्योंकि लगती है फ्लिक करने में एजिस लगती हैं लेग साइड पर। अरे मिडल पे ला के सामने रखो, नजरों के सामने रखो भाई, मुझे तो मन नहीं कर रहा स्पिनर्स का। मैं बदलाव करने वाला हूँ बहुत जल्द, यहाँ पे स्पिनर्स जाने वाले हैं, तेज गेंदबाज आने वाले हैं, एटलीस्ट एक छोर से तो होगा। स्पिनर्स मतलब निराश कर रहे हैं, 4 ओवर में 21 रन, बहुत आसानी से मारे हैं रन वो भी। मैं कहता हूँ 24 गेंदों में शायद 2 मौके बने होंगे, 2 या 3 मौके भी नहीं, मतलब बीट हुए हैं, एजिस मिस हुई, ऐसा कुछ 2 या 3 मौका बना होगा। तेज गेंदबाज में हर ओवर में एक आध एजिस लग सकती थी, लगी नहीं, बात अलग है।
टॉप स्पिन भी टॉप स्पिन जैसा इस गेम में नहीं लगता। जैसे ये मैं टॉप स्पिन डाल रहा हूँ और फ्लाइट करा रहा हूँ गेंद को। अब अश्विन जब फ्लाइट कराते हैं भाई ये फ्लैट, ये यही तो था, यही तो है वो चीज, यही तो वो मैजिकल बॉल है। मिस कर गए। चलो अच्छा है, क्रॉस खेल रहे हैं। इतनी उम्मीदों के साथ स्क्रीन देखता हूँ, कुछ नहीं मिलता। लेकिन आशीष कह रहे हैं काश ऑटो स्किप बॉलर गेंदबाजी करता तो। भाई वो ऑटो स्किप सिर्फ करियर मोड में ही कर पाता है गेंदबाजी, उसके अलावा नहीं करता। 65 में 55 घुमाने के लिए तैयार गेंदों को जितना घुमा सकते हैं, पर गेंदें घूम नहीं रही हैं। मुझे, मैं अश्विन को नहीं ला रहा पक्का भाई। अगले ओवर में मैं देखता हूँ क्या स्टेमिना, क्या कॉन्फिडेंस है। बदलाव कर रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है पिच है ही नहीं स्पिनर फ्रेंडली, कुछ मदद ही नहीं है स्पिनर्स को। बस गेंदें ऐसी जा रही हैं, चली जा रही हैं बस। मतलब अगर 40 रैंक वाला गेंदबाज करेगा तो भी वैसी ही गेंद लग रही है, और 80 वाला करेगा तो भी वैसी लग रही है। बस रन बन रहे हैं, ये एक है। मेरे को ज़्यादा मौके दे नहीं रहे, दोनों ऑफ स्पिनर है, दोनों से बात नहीं बनती यहाँ पर। फ्लिक मार दिया, अच्छा है फील्डर डीप में, क्योंकि गैप में था ये 4 रन होता। और दो लेगा। क्या रनिंग है यार भाई। स्कोर अभी हम लोग देखें तो 111 की लीड हो चुकी है पाकिस्तान के पास। 111 की लीड, 97 पे 1 का स्कोर है यहाँ पे। बाकी का स्कोर मैं आपको एंड में बताऊंगा या सेशन एंड पे। 2-4 गेंदों में 3 एजिस थी पर विकेट का मौका नहीं है। जड्डू का लास्ट गेंद, स्टेमिना इनका 50% खो चुका है भाई। क्या किया इन्होंने, एजिस क्लीन बोल्ड। ये होती है गेंदबाजी भाई। गई तो फ्लैट ही थी, गई तो सीधी थी, लेकिन फ्रंट फुट का चक्कर बाबू भैया बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में आउटसाइड एज दे दी। यहाँ पर रिप्ले दिखाता हूँ, कुछ समझ ही नहीं आया, ये रिप्ले बहुत गंदा था यहाँ पर। बाबर आजम इज कमिंग, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इनको 0 पे आउट करूँगा या 2 रन पे आउट करूँगा या 4 रन पे आउट करूँगा। जब भी ऐसा कुछ बोलता हूँ तो वो सबसे अच्छा ही खेलते हैं। ये आउट कैसे हुए वो इंटरेस्टिंग रहा है देखना। नाम किया है, नाम किया है। स्पिन हुई थी क्या गेंद, एक मिनट, स्विंग स्पिन हुई थी क्या भाई? नहीं, स्पिन तो नहीं हुआ। एंगल में था, जैसा था सीधा सीधा गया है यहाँ पे। विकेट लेके अश्विन, नहीं सॉरी यार, मैं देखता हूँ स्टेमिना किसका अच्छा है। विहारी अभी नहीं भाई, विहारी आई थिंक मैं एक और स्पिनर ट्राई नहीं करना चाहूँगा। ऑलरेडी शमी और शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। शार्दुल को बुला रहा हूँ, 100% हो गया यहाँ पर। फील्डिंग में बदलाव करेंगे हम लोग, एक सेकेंड। अरे मैंने लगता है गेंद कर दी, कोई बात नहीं, अपने आप हुई है गेंद, मतलब गलती से क्लिक हो गया। कियांश यहाँ पे उठ चुके हैं और उंगली खा रहे हैं। ये क्या हुआ? अब भाई ये क्या हुआ? अच्छा मैंने कुछ क्लिक कर दिया क्या? मैं तो डर गया कि विकेट वो आ गया क्या, मेरी नज़र नहीं थी। ये जनरली तब आता है जब कोई गेंदबाज इंजर्ड हो जाता है। बॉल कैच, कुछ फ़ायदा नहीं, कैच हुआ भी नहीं है और बड़ा शॉट ले रहे हैं यहाँ पर। भाई स्पैम करना छोड़ो भाई, मैं हटा रहा हूँ कमेंट इसलिए, प्लीज। मुझे लगेगा भाई तो मैं फॉलो कर लूंगा आपकी कमेंट, डोंट वरी यार। मैं भी इंडिया को जिताने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यॉर्कर डालो, स्पिनर्स का क्या, तेज गेंदबाजों का क्या परफॉर्मेंस है वो शार्दुल की इस ओवर पे डिपेंड करेगा, कितने ट्रस्टेड है। बाकी शॉट्स तो कुछ अलग ही कर रहा है, पता नहीं क्यों लॉफ्टेड ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। आते ही मार रहे हैं बंदा, खास करके अजहर जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेशन दिखा रहा है, इतनी ज़रूरत है नहीं अग्रेशन दिखाने की। अभी तो शुरू हुई है गेम भाई, अभी तो सिर्फ मतलब समझो अभी कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है यहाँ पर। अब मज़ा आएगा, ये गेंद मस्त होगी। चौका आया नहीं है ना ओवर में, अब मज़ा आएगा देखना। 2 रन 3 रन आया ना, चलो। अरे यार सिंपल फ्लिक मारा, मुझे लगा कुछ अलग खेलेंगे ये, आराम से 1 रन ना। आ,
एक स्लोअर बनती है गुड लेंथ पे। आज हम अगर सामने खेलते हैं तो मजेदार होगा। यहाँ पे देखना फ्लिक कर रहे हैं। अरे यार ये तो फ्लिक में ही फंस गए सब। दो लेंगे दो लेंगे दो लेंगे दो लेंगे, हो सके तो दूसरी तरफ दो थ्रो। क्या कर रहा है? अरे यार गलत। चलो चलो ठीक ठीक है, दो रन आ रहे हैं। जो लोग स्पिनर्स को कह रहे हैं भाई, एक तरफ से स्पिनर्स हैं तो आप लोगों का स्पिनर्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। जड्डू ने ऑलरेडी विकेट निकाल दिया तो भाई मैं इनको तो किसी हाल में नहीं हटा सकता। कॉन्फिडेंस देखो इनका ग्रीन हो चुका है, पूरा डार्क ग्रीन। इसका मतलब है कि 90 के आसपास या 100 के आसपास हो गया है। ज्ञानश है, ज्ञानश है। आओगे ज्ञानश? आओगे ज्ञानश? क्यांश जा रहा है भाई, कैच। चांस था यहाँ पे। क्यांश गोइंग भाई, क्यांश इज गोइंग। हाँ अपने हालत तो देखो, क्यांश की आंखों पे काजल वाजल सब। भाई क्यांश गया यार, वो नीचे कुछ पता नहीं क्या, कोई आया हुआ है लग रहा है। वेट देयर, गैप 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 नहीं जान देना। एमडी कह रहे हैं आई एम बैक। राहुल यहाँ पर, सुदीप, तेजस, रचित, अब्दुस, भगवंत, वेलकम भाई सभी का। जो लोग लेट जुड़े हैं, जो लोग जल्दी जुड़े हैं, जो लोग जल्दी जल्दी जुड़े हैं उनको तो पता ही है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और रे ग्लांस मार दिया, बहुत ही समझदारी वाला शॉट, बहुत ही समझदारी वाला शॉट। बाबर आजम ने कलाइयों का जो यूज़ किया है काबिले तारीफ है ये, क्योंकि मैंने स्क्वायर डीप में रख दिया है। क्यों रखा है? क्योंकि उस हिस्से में आसान नहीं, उस हिस्से में चौका निकालना आसान नहीं। बंदा फाइन लेग्स करीब खेल रहा है। कमेंट आ रहा है बाबर आजम का कॉन्फिडेंस देखो भाई। कोई भी नया प्लेयर आता है बैटिंग करने, उसका कॉन्फिडेंस रेड ही रहता है, फिर वो कितने अच्छे शॉट्स लेता है उस पर से उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये तो सचिन के लिए भी होता है, डॉन ब्रैडमैन बैटिंग करने आते थे तब भी उनका भी यही होता था। दुनिया का महान से महान प्लेयर भी आ जाए ना, हाँ दिन अच्छा हो तो बात अलग है उसका, तो फिर वो मस्ती में आ सकता है। बाकी कोई बंदा जनरली 90% केसेस में ग्रीन जोन में कभी नहीं आता, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस इधर उधर रहता ही है। नॉर्मल रहना, एक्चुअली नॉर्मल कॉन्फिडेंस रहना भी रियल क्रिकेट में, रियल लाइफ क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर स्टैंडर्ड गेंद, स्टैंडर्ड नहीं है, इन स्विंग है, पेस का ही कमाल है यहाँ पर। लेकिन सिरा ये क्या नाम है, शार्दुल ठाकुर ने कोई बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी नहीं की है। की 8 गेंदों में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा चांस होगा यहाँ पे। और यहाँ पर रघु रुकु ने भाई सपोर्ट कर दिया है, कल रघु ने चैलेंज दिया था। वेलकम भाई रघु रुकु टू द ग्राउंड शॉट सपोर्टर क्लब, क्लब का हो मेंबरशिप का हो, वेलकम भाई। हाँ भाई वादा किया था निभा दिया है, चैलेंज पूरा नहीं कर पाया था भाई, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी उसमें। मिड ऑफ कवर, यहाँ पे गेंद ज़्यादा दूर नहीं कर पाएगी। विराट 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 दे सकते हो थ्रो, दौड़ते तो मजा आती यहाँ पे, एक रन और लेते तो मजा आती। अब मैं थोड़ा स्लोवर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कटर करना चाहता हूँ, एजिस की उम्मीद से गेंदबाजी कर रहा हूँ। शादुल ने थोड़ा सा निराश किया है, इनका पहला जो स्पेल था वो शानदार रहा था, लेकिन सेकेंड स्पेल में वो चमक देखने को नहीं मिली है। मैं स्लोवर के साथ बढ़ रहा हूँ आगे, किनारा कहीं ना कहीं लेने की फिराक में हूँ। अब कितना लगेगा, वो कितना ऑफसाइड निकलेंगे उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है। लगता तो ज़्यादा अच्छा था, लगता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ना लगना मतलब तो फिर मिस ही होना है। लगता तो शायद कुछ तो होता, चौका छक्का स्विप शॉट भाई, बहुत बढ़िया गैप ढूंढ रहे हैं। दो रन चार जा रहा है तो मेरे लिए फील्डिंग थोड़ा सा बदलो, स्क्वायर लेग पोजीशन में थोड़ी सी बदल रहा हूँ, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। डीप स्क्वायर लेग को मैं लगा रहा हूँ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, तो नाम भी ऐसे ऐसे हैं, स्क्वायर लेग ही है लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया चांस, ये बढ़िया चांस था। चलो भाई एक मिडल पे टॉप स्पिन बनता है, कई लोग बोलेंगे क्या होगा भाई, लेग स्लिप में फंस सकता है ये बंदा। कैच, अब आम बॉल, सेम लाइन लेंथ, सब कुछ सेम है, बस आम कर दी है सेम लाइन लेंथ पे। अरे सेम डालो, सेम डालो, सेम से ऑफ स्पिन कराऊंगा, मजा आएगी, मजा आएगी देखना। लाइन सेम पकड़नी है मिडल वाली,
बस अब उसमें प्लीज यही शॉट खेलना जो अभी खेला था, मजा आ जाएगी इस पे। अरे यार बैक फुट खेल रहा है। ठीक है अभी कौन सी गेंद बाकी रही, एक गेंद बाकी है, दूसरा बाकी है, ट्राई करता हूँ उसको दूसरा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लेंथ लाइन बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं ऑफ साइड गया हूँ। स्ट्रेट ले लिया यार, अच्छी गेंद थी लेकिन अच्छा मजेदार रहा हुआ, हर गेंद पे कुछ अलग किया, चार गेंदों पर चौका खा गए थे। लेकिन शार्दुल का लास्ट ओवर अगर कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे तो, पॉजिटिव साइंस नहीं दिखते हैं तो मतलब ख़त्म भाई, ओवर नहीं मिल रहा इनको। एक पॉजिटिव साइन दिखाओ मुझे, एक पॉजिटिव साइन लो भैया, पहली गेंद पे पॉजिटिव साइन दिखता हुआ, चार जा रहा है गेंद पे, चला गया। आखिरी सेकंड तक ऐसा लग रहा था कि शायद रुक जाएगा, आखिरी सेकंड तक अजहर भाई रन बना रहे हैं। अब अजहर का बल्ला पहले खामोश था और ये बॉल लाल रन करके चली गई बैट पे। चलो यॉर्कर डालो, हो सके तो स्लोवर रखियो, हो सके क्या स्लोवर ही रख रहा हूँ, लीव कर लिया, चला गए। और पता नहीं कैसे इसको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि ये गेंद मेरी स्टंप पे नहीं जा रही, मुझे तो दूर दूर तक लग रहा था कि ये गेंद स्टंप को हिट होगी, पर ये बंदा फिर भी लीव कर रहा है। बोलो मतलब मैं जिस लाइन पे डाल रहा हूँ कोई लीव करने की सोच ही नहीं सकता, तो बहुत तारीफ करूँगा मैं इनकी कि बंदा लीव कर रहा है मिडल की गेंद को। अब देखो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, अब ये इनका भरोसा नहीं, इसको भी लीव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। नहीं इस बार डिफेंस किया है, इस बार लीव करते तो मजा आती। ठीक है सेम लाइन सेम लाइन, अरे हाँ सेम लाइन फॉलो करते हैं इस बार तेज। अरे यार लीव कर दिया, मैंने सीधी रखी थी गेंद, सही में सीधी गई, इस बार इन स्विंग करा रहा हूँ सेम लाइन लेंथ, थोड़ा बहुत थोड़ा और मिडल रखनी थी, कोई नहीं खेलेगा तो सही। इस बार बड़ा ले रहा है, बड़ा शॉट ले रहा है, दूसरा चौका, दूसरा चौका इस ओवर का। शार्दुल जा रहे हैं भाई, शार्दुल जा रहे हैं आराम करने क्योंकि मुझे विकेट चाहिए। यहाँ पर 50 मार दिया अजहर ने, सेंचुरी लगाई नहीं थी लास्ट टाइम किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर ने, सेंचुरी छोड़ो 80 नहीं लगाए थे, तो इस बार 80 रन लगाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। जंप परफेक्ट, रिलीज आइडियल करना, दोनों एक साथ करना कितना मुश्किल है भाई। हर बार लगता है हो गया लेकिन होता नहीं है, तो मुझे लॉजिक नहीं मालूम, मुझे लगता है मैंने कर दिया और जब मुझे लगता है नहीं किया तब हो जाता है, तो वो पता नहीं अजीब है भाई। चार रन, चाहता हूँ तीन लें, लेंगे नहीं, इनको पता नहीं, बता दूँ यहाँ पे लगभग आज 45 ओवर समाप्त हो गए आज के दिन के, इन्होंने 30 ओवर खेले, इंडिया ने 15 ओवर सर्वाइव किया था। कैच, शॉर्ट लेग आ रहा है, शॉर्ट लेग आ रहा है, शॉर्ट लेग आ रहा है भाई, हर हद हो गई है, अब शॉर्ट लेग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो मैं बताता हूँ, सोचने दो मुझे, क्योंकि शॉर्ट लेग तो चाहिए, चाहे स्लिप हटा दो ऑफ साइड पर चलेगा लेकिन मुझे शॉर्ट लेग चाहिए। हाँ ये पोजीशन जो है थोड़ी सी मुझे काम की नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे बदलाव कर रहा हूँ और ये तो सेंटर में डाल दिया, अब मज़ा आएगी भाई। अब तो फ्लिक मार, मैं देखूँ जरा फ्लिक में कहाँ जाता है शॉट्स तेरे। नाइस बॉलिंग भाई, शॉर्ट लेग लगा दिया है, मेरे ख्याल से मुझे इससे पहले ही मन कह रहा था लगाने का, पर अब मुझे लग रहा है ज़्यादा देर करने का मतलब नहीं यहाँ पे। I think this is the best time to bring the short line. Nice. ए पैर बाहर है, आउट है यार, guaranteed आउट है, पक्का आउट है भाई, बिस्किट खा ले। अरे पैर उड़ गया पीछे का, डिफेंस करते हुए उड़ जाएगा, गया 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 भाई, दिस इज द बेस्ट विकेट, ये भी फलवा बिस्किट गई। विराट कोहली बेटा, विराट कोहली टेक्स द विकेट ऑफ बाबर आजम, रिप्ले बनेगा मस्त है। क्या हुआ इसमें, इस विकेट पे डिफेंस था बाबर आजम का, हल्का फुल्का डिफेंस था, दिक्कत कहां हुई देखो, जाडी जड्डू की बॉल, यहां पर हल्का सा डिफेंस,
विराट कोहली की नजरें देखी है, डिडिडिश। उनको पता था कि भाई दिस इज द टाइम, और फिर जो हुआ है वो आपके सामने। कोहली टेक्स द विकेट ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम का चेहरा देखिए ना, बाबर आजम का वो देखिए हालत, उनको मालूम है कि आउट हो चुके हैं वो। उनका रिएक्शन देखिए, वो पहले ही जा रहे हैं, उनको वेट थोड़ी ना किया उन्होंने, तो पता था खत्म है गेम। शॉर्ट लेग एटलीस्ट रन आउट में काम आ गया भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से। अब जड्डू भाई एक और काम कर दो। रघु कह रहे हैं वीके के साथ मजा आ गया। और पता है मैं उंगली रखी थी मैंने, मुझे क्योंकि ये कोई भी शॉट ले रहा है, फाइन लेग, ये शॉर्ट लेग तो जा ही रहा है इसका। ये क्या किया, ये कौन है भाई वहाँ? विराट कोहली अपने जिंदगी का, हमारे गेम प्ले का सबसे बेस्ट क्या फील्डिंग एफर्ट डाल रहे हैं, और ये वहाँ पे गिर गिर के भी सही ढंग से नहीं गिर पा रहे। विनायक अभी अभी स्कूल से आए भाई, कितने बजे? अच्छा 4 बजे छूटे लगता है, 4:30 तक सही है। अरे हाँ यार, शादुल को कहाँ दी फील्डिंग सेटअप भी हटाना अपना, दो लेगा वो, ऑलरेडी रनिंग शुरू कर दिया। शादुल को नहीं दे रही थी, साइड चेंज करो, अगर दे ही रहे हो तो कुछ अलग करते हुए ट्राई करो, नॉर्मल में तो आउट नहीं होने वाले यहाँ पे। सुजय कह रहे हैं रियल कमाल तो संगीत का है। नहीं नहीं भाई, विराट का है, मेरा नहीं है कोई कमाल। कुछ खराब होता है तो वो मेरे कारण है, कुछ अच्छा होता है तो वो फिर जिसने किया उसके नाम। कैच, इतना आसान नहीं भाई कैच जाना, अभी तेज गेंदबाज में तो मुश्किल है। करियर मोड का दूसरा पार्ट कब आएगा भाई? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1500 लाइक्स आप लोगों से, तो प्लीज़ कर देना 1500 लाइक्स। मैंने पिन कमेंट में भी डाली है वीडियो, तो WCC3 का अगला पार्ट आएगा फिर करियर मोड का। गेंदें अलग आ रही हैं, राउंड द विकेट गए हम लोग, मुझे लग नहीं रहा था ओवर द विकेट थोड़ा भी चांस है मेरा, क्योंकि मैं ओवर द विकेट कितनी भी गेंद कर लूँ ये तो या तो मिड विकेट मार देता है या फिर तेज शॉट खेल देता है, तो कुछ अलग ही करना पड़ा मुझे। और सही है जो भी चल रहा है अभी, सही है, बल्ला नीचे की तरफ दबा हुआ है, चांस तो नहीं बने, लेकिन ये दिक्कत की बात है। डिस्कॉर्ड में मैसेज नहीं हो रहा, पता नहीं भाई, अगर ब्लॉक किए गए होंगे तब तो नहीं होगा, और बाकी अगर नॉर्मल, मुझे पता नहीं भाई क्यों नहीं हो रहा, या तो फिर कुछ नियम होते होंगे डिस्कॉर्ड के। कई बार ऐसा कुछ होता है कि कुछ 12 साल से आपकी कम उम्र हो तो शायद नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता भाई एग्जैक्ट ना सिचुएशन, पर अगर ज्वाइन हो गए हो, हाँ टाइम आउट भी किया हो तो हो सकता है आपने किसी को गाली वाली दी हो, माँ बहन की, भाई भाई की, पड़ोसी की, तो ब्लॉक किए गए होंगे और टाइम आउट दिए गए होंगे 1 हफ्ते के लिए। 4 रन जा रहा है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी तुम 4 मारो या 6 मारो, मैं अभी भी इस फील्डिंग सेटअप पर मुझे विश्वास है भाई, लेकिन रन थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं यहाँ पर। आज ज्वाइन हुए राकेश भाई, तो भाई मुझे नहीं आइडिया भाई, मतलब एग्जैक्ट मेरे में नहीं कर पा रहे, किसी में नहीं कर पा रहे तो कॉन्टैक्ट गो डिस्कॉर्ड सपोर्ट, मेरे में नहीं कर पा रहे तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है यार। ठीक है उसको छोड़ो, मैं अभी यहाँ पे मैच पे बात कर लेते हैं। नया फील्डिंग सेटअप चलता हुआ, दूसरा ही ओवर है, नया फील्डिंग सेटअप ही कहूँगा मैं तो। एक बाउंसर बनती है इसका, तेज बाउंसर, काश जैसी बाउंसर मैं सोच रहा हूँ ना वैसी बाउंसर डाले तो मतलब भी है। नजरें मत हटाओ, हाइम कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई ये अच्छा हुआ हाइड हो गई कमेंट आपकी। वेट देयर, ग्राउंड शॉट भाई, क्या करूँ मैं स्पिनर्स में, क्या लग रहा है आपको स्पिनर्स में, ऐसा क्या बदलाव करूँ कि विकेट्स आए, क्योंकि लेफ्टी आ चुका है, फवाद आ चुके हैं, और हाँ अजहर अली अभी भी टिके हुए हैं तो सेंचुरी का चांस तो है ही, बस यही है कि थोड़ा धीरे खेल रहे हैं अभी विकेट खोने के बाद। शार्दुल नहीं, किसी हाल में नहीं, शमी को लाओ प्लीज़ भाई, इज्जत रखियो शमी भाई, क्योंकि दिक्कत हो रही है, तेज गेंदबाज, कोई उम्मीद ही नहीं लग रही इनसे, लगता है अश्विन को बुलाना पड़ेगा, मुझे लग नहीं रहा कुछ चांस इनके में दोनों के साथ। शार्दुल ठाकुर भी काफ़ी फ्लैट गेंदें कर रहे हैं, शमी की पहली गेंद तो बहुत ज़्यादा सीधी आई है, मतलब कनेक्शन बनाओ बैट का, बस एजिस वेजिस का कोई चांस ही नहीं लग रहा, पेस वेरिएशन काम कर जाए तो चल जाए, बाकी नहीं। कैच, कोई चांस नहीं, गैप में है, 2 लेंगे फिर से, स्लाइडिंग एफर्ट बहुत अच्छी।
रघु रघु कह रहे हैं अगर आप चाहो तो कैन वी सेटअप ऑनलाइन टूर्नामेंट। भाई मेरे को नहीं लगता क्रिकेट 22 में इतने लोग हैं हमारे पास कि सेटअप कर पाए। आई थिंक कि उसको ऑनलाइन टूर्नामेंट हम कह सकें, इतने लोग नहीं है भाई, इतनी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है क्रिकेट 22 की। RC20 WCC3 की है लेकिन वो एफर्ट बहुत ले लेगी और आउटपुट लगभग कुछ नहीं मिलने वाला। राउंड शॉट, दो रन यार, एंगल में वाली गेंदें नहीं चल रही। फवाद को ओवर द राउंड द विकेट ही डालो। ठीक है मैं कटर डाल रहा हूँ क्योंकि स्विंग तो हो ही नहीं रहा गेंद। अब उंगलियों से घुमा रहे हैं गेंदों को जबरदस्ती वाला। अच्छा अच्छा गेंद था, अच्छा गेंद था, भले जा रहा है चार, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये तो गति पकड़ रहा है। अबे ये क्या है, पहले धीरे निकला, ये तो उल्टी उल्टा फिजिक्स है भाई गेम में, पहले धीरे हुआ फिर तेज हुआ जैसे किसी ने, ये रन आउट। अरे कितना मर मर के आई, डायरेक्ट लग जाता क्या यार। फवाद यहाँ पे ग्राउंड शॉट, चलो भाई जड्डू भाई नहीं यार, कुछ गड़बड़ है भाई, मेरी बॉलिंग लाइनअप में कुछ गड़बड़ है। पाकिस्तान बहुत आसानी से खेल रहा है यहाँ पे, मेरे को सही नहीं फीलिंग आ रही, मुझे फीलिंग सही नहीं आ रही। गुड लेंथ पे चार आउट स्विंग डालो भाई, वो नहीं करना ट्राई, उससे वाहियात मैंने कुछ ट्राई नहीं किया भाई, वो कोई ट्रिक नहीं है, वो बस नॉर्मल गेंद है, वो हर बार नहीं चलता और ज़रूरी नहीं है कि एकदम वही चार आउट स्विंग ही डालो तो ही होगा विकेट, ऐसा नहीं है। विकेट मिलना होगा तो मिल जाएगा भाई, लेकिन वेरिएशन करना है बस, सिंपल बोलो ना, ये चार आउट स्विंग, एक इन स्विंग, दो इन स्विंग भाई कोई मतलब नहीं। वेट, मेरे हाथ में नहीं है गेंद। कैच, फ्लिक देखो भाई, फ्लिक के मामले में अच्छे अच्छे प्लेयर, मैं खुद फ्लिक में गलती करता हूँ क्योंकि आप जब भी बैट तिरछा करते हो गेंद की अगर स्पीड परफेक्ट नहीं पड़ पाए तो कहीं भी जा सकती है गेंद। ऊपर से ये जनाब दो दो लेग स्लिप और शॉर्ट लेग को बीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कल मैच पूरा हो जाएगा इंडिया का, कल इंडिया विन कर जाएगा शायद, आज तो नहीं ऑल आउट होगी पाकिस्तान, मुश्किल है। अजहर गॉन, जड्डू कोहली फिर से काम करते हुए, मोहम्मद रिजवान यहाँ पर। मैं अभी भी कहूँगा मतलब एज अ बॉलर इनके शॉट्स में थोड़ी सी कमी, अरे को कवर मिल गया, ठीक है ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम ना मारे, ये बहुत 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 खराब फील्डिंग है कवर वाला, वो जगह ढूंढ लेगा बार बार। लेफ्टी अभी भी मौजूद है फवाद आलम के रूप में, एक क्विकर बनती है यहाँ पर। पाकिस्तान खराब खेल रहा है लेकिन लास्ट टाइम शायद इनकी और विकेट ज़्यादा गिर गई थी, उसके बाद कमबैक किया था, कमबैक तो हमेशा कर सकते हैं, लास्ट विकेट भी 100 मार सकती है। इंडिया की 3 विकेट गिर गई थी, याद रखना है हमें, इंडिया ने क्विक सक्सेशन में 3 विकेट गंवाई थी तो पाकिस्तान ने 146 में गंवाई है यहाँ पर। शुभम कह रहे हैं देखा मैंने किया कैच, भाई ये कैच तो कुछ भी नहीं था, इससे पहले जो रन आउट किया था वो मेन हाईलाइट था आज के दिन का, उस हाईलाइट के सामने अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है उसके टक्कर का, वो रनआउट ओपी था भाई, मस्त था एकदम। मैं बहुत डरता हूँ, मैं एज अ बॉलर इस समय खेल रहा हूँ भाई, मैं कम से कम मैं सामने वाली टीम को आउट करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं सोचा कि मेरे को 1200 रन चेज करने या 1500 रन या 800 रन या 600 या 400, एज अ बॉलर मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने खेल कैसे रहा, इसकी हिम्मत कैसे है, मैं ये सोच के बॉलिंग कर रहा हूँ कि मेरे से कहाँ ऐसी गलती हो रही है। अभी भी ये फ्लिक मार रहे हैं। एक और ओवर मिलेगा शमी को, एक ओवर और मिलेगा, मैं इनको 2 ओवर देके तो नहीं हटाने वाला, कम से कम एक और ओवर देंगे हम लोग, मुझे थोड़ा भी दिख जाए ना कि चांस बन रहा है, मुझे चांस दिख नहीं रहा है तेज गेंदबाज में, गेंदें एकदम सीधी जा रही हैं, सीधे बल्ला खेल रहा है वो, वहीं के वहीं गिर जा रही है। जड्डू का ये गलती से गेंद गिर गया मेरा, जानबूझ के मैंने नहीं खेला है कैच, ओए नहीं आउट नहीं है, मैंने अपील किया डोंट वरी। लेकिन मस्त था भाई, नीचे पिंक कलर में लिखा जाता है भाई यहाँ पे, डोंट वरी। ए यार तेज शॉट ले रहे हैं आराम से,
ये किंग कोहली क्या बोल रहा है भाई, उनकी वहां पे लगाए गेंद, कैच कैच नहीं है मेरे भाई, गेंद पे लगा है गेंद, गांड पे लगाए गेंद, ऐसा कुछ बोल रहे थे कोहली पिछले मैच में, उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा गेम में, उन्होंने रियल में ऐसा बोला था कोहली ने कि गेंद गांड पे लगाए गेंद, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल सकता, समझ गए वो समझ गए। अच्छा रिजवान खेल रहे हैं, रिजवान तो अच्छा खेलेंगे भाई, मतलब अच्छा खेलते हैं रिजवान, उनको ये फॉर्म में भी हैं, T20 में सबसे अच्छे फॉर्म में थे, वनडे में इनका फॉर्म थोड़ा सा डाउन हुआ। ओए पीछे का पैर, पीछे का पैर, पीछे का पैर, एक बार मुझे दिखाओ खाली पीछे का पैर, आप तो कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है एक बार कि पीछे के पैर में कुछ था, मतलब उठा है पीछे का पैर, थोड़ा आगे से दिखाओ, इसने जब मारा देखो पीछे का पैर भी उठेगा ये, अच्छा नहीं दबा है एक्चुअली, उठा नहीं है वो, बैठा है पैर वहाँ पर, पैर पैर पेड़ नहीं, कैच भाई, लेग स्लिप क्या कर रही है भाई, यही सब गेंदों पे तो डाइव मार के कूद जाना है, गेंदों पे छोड़ना नहीं है गेंद को, जानी नहीं चाहिए यहाँ पे, शमी का लास्ट ओवर, अगर मुझे कुछ नहीं दिखाते हैं अच्छा करके आई एम सॉरी, मैं चाहता हूँ गेंदबाजी देना तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं एफर्ट वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉल गेंद अच्छी है, रिलीज सही है, जंप परफेक्ट है, लेकिन जो चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा, जो विकेट्स चाहिए, जो चांसेस भी बना दो, चांसेस नहीं बन रहे, विकेट तो बाद में आएंगे, 10 बार चांसेस आते हैं तब जाके एक विकेट मिलती है कई बार, तो यहाँ पर तो एक भी चांस नहीं बन रहा है, मतलब पता नहीं कितना ओवर खींचेंगे यहाँ पे। यार व्हाट अ शॉट, अच्छा शॉट है, ठीक है देखो ये शॉट लेना है ना, रुक मैं तेरे को बाउंसर डालता हूँ, खेलियो भाई हिम्मत हो तो खेलियो, ये शॉट बाउंसर डाल रहे हैं राइट आर्म ओवर, तेज, हाँ तेज नहीं मीडियम रख रहे हैं, मारा मारा पुल मारा, सही है यार, दो तो नहीं लेंगे मुझे नहीं लगता, दो लेंगे, लेते तो मज़ा आती, डायरेक्ट थ्रो है लगा नहीं, लेकिन एक यॉर्कर पैरों पे एकदम दे रहा हूँ, अगर शॉट मिस हुए तो गेंद उछलेगा, उछलेगा मतलब शॉर्ट लेग पकड़ेगा, कैच yeah. अरे यार ये तो शॉर्ट लेग होने के बावजूद शॉट ले रहा है, लास्ट गेंद आ रही है, शमी का लास्ट ओवर होगा ये, अगर इस लास्ट गेंद पे कुछ एजिस या मिडल पे या थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे पैरों पे नहीं चिपकती गेंद तो, रन रेट 4 का करने में सफलता मिल चुकी है, अरे यार मौका तो बना थोड़ा सा, रोहित शर्मा का प्ले फेस ओपी है भाई, वो सबसे पहले प्ले फेस आया था उनमें से एक प्ले फेस है वो, आउट, क्या लग रहा है ये, आउट लग रहा है मेरे को यार, जड्डू और वो दोनों बात कर रहे हैं और उधर रोहित शर्मा नियो करके DRS ले भी लिया, उनको पड़ी नहीं है कि तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई, ऐसे भी रिव्यू वेस्ट होते हैं मेरा, मैं यूज़ कर लिया हूँ, अभी देखो पैर तो इनका मिडल पे पड़ा हुआ था, फंसा हुआ था, गेंद कहाँ चिपकी है वो देखना है मुझे, गेंद कहाँ चिपकी है वो दिखाओ मुझे, अरे अरे लग रहा है भाई, लग रहा है आउट है, अरे यार भाई देखो पैर तो अंत तक मिडल पे चिपका हुआ है, पिचिंग इन लाइन, वो भी इन लाइन होगा, अरे यार मिस कर रहा है स्टंप, अरे यार क्या यार, हाँ आउट नहीं है भाई, थोड़े के लिए रह गया, अरे यार थोड़ा मतलब इतना थोड़ा कि मैं दिखा भी नहीं सकता, इतना इतना थोड़ा, कोई नहीं अगली गेंद अपनी है भाई, आम्बर डाल दियो, शमी को एक और ओवर मिल रहा है, यस शमी को एक और ओवर मिल रहा है, एक और ओवर मैं दे रहा हूँ शमी को, कोई खास रीजन नहीं है मेरे पास पर एक ओवर दे रहा हूं मैं, मैंने DRS लिया इसलिए क्योंकि अंत तक उनका पैर मिडल पे था और एक्चुअली दिक्कत स्विंग से हुई, स्पिन से हुई एंगल के कारण, अगर वो लाइन में नहीं हो, वो लाइन में आ जाता थोड़ा भी अगर अंदर आता ना तो फिर आउट हो जाता है, पर आया ही नहीं, बना ही नहीं, अंत तक नहीं बनाया, बहुत क्लोज था राइट, DRS वेस्ट हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये वेस्ट था, रिस्क लेना बनता था यार, दो लेंगे, स्लाइड क्यों मार रहे हो यार, डायरेक्ट तो लगता नहीं है थ्रो तुम्हारा, क्या मतलब क्रिकेट 19 में लगता था यार, एक टॉप स्पिन,
मिडल पे ही दे रहे हैं, खेलने देंगे पूरा, फ्लाइट भी कराऊंगा मस्त वाला। ओके खेल रहा है 83 का पेस, इस बार फुल घुमाऊंगा नीचे। आफ्टर टच देखो मेरा, फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। चौका आ चुका है क्या ओवर में? नहीं आया तो नहीं था। शमी को मिल रहा है एक और ओवर मेरे, मैं दे रहा हूँ। कम ऑन शमी भाई, एक्स्ट्रा ओवर्स जब भी मिलते हैं, विकेट मिलते हैं। कैच एजेस, ये गली में बहुत बार गेंद गई है मेरी, और हर बार कोई ना कोई पहले ही गिर जा रहा है गेंद, इस बार भी पहले ही गिर गया। रिस्वान आराम से, अगर मेरे को DRS में विकेट मिल जाता सब धोनी बोलते। अरे यार वो क्लोज तो था यार, मैं नहीं, मैं रियल लाइफ में भी कोई प्लेयर होता लेता DRS। एंगल मस्त है यार, लेफ्ट राइट को पकड़ो इसमें रिजवान को, इंडिया को विकेट चाहिए बस, फिर से राइट ही लो लेफ्ट ही लो मुझे क्या। हम क्रॉस एंगल डाल के खुश थे कि भाई चलो अच्छा एंगल आ रहा है, लेकिन ये बंदा एक्चुअली लेट कट के मूड में था। बहती गंगा में हाथ धो दिया इसने रिजवान ने। चलो यार का ट्राई करते हैं हम, इसमें तो कोई तुम्हारी बहती और बहती गंगा है नहीं, सामने मार दो बस, ये एक शॉट ले सकते हो। गैप नहीं, लास्ट गेंद भाई नहीं मिल रही, लास्ट गेंद पे फिर कुछ करते हैं तो बात अलग है। अरे नौ बॉल रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक गेंद एक्स्ट्रा मिली है डालने को समझो। पेस इतना परफेक्ट रखो कि फंस जाए। लेफ्टी आ रहा है लास्ट गेंद खेलने, अच्छा है अच्छा है अच्छा अच्छा ठीक है भाई, लास्ट गेंद है, मैं चाहता हूँ आखिरी गेंद स्टम्प्स में रहें, इसलिए मैं लेग कटर कर रहा हूँ, इतना तो अंदर आएगी कि स्टम्प सेट हो जाए। और बीच में बल्ला आ रहा है, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं भाई, क्या कर रहे हो शार्दुल, पता नहीं क्या कर रहे थे, गेंद के साथ रेस लगा रहे थे, बोल रहे थे मैं नहीं उठाऊंगा तू उठ जा अपने आप। अड़तीस ओवर का खेल यहाँ से बाकी है, मेन बात यह है कि 38 ओवर में इंडिया कितने विकेट लेता है। मैं मानता हूँ कल खत्म हो सकता है मैच का रिजल्ट आ सकता है, अभी के हिसाब से जैसा इंडिया ने किया है वैसा ही अगर 40 ओवर और खेलता है इंडिया, आई थिंक इंडिया कैन गेट द ब्रेक थ्रू। यहाँ पर फिर दिक्कत वाली बात है भाई, इस बार तो फुल DRS एफर्ट जा रहा है दिमाग में, क्या किया जाए भाई, मैं इतना ध्यान दिया नहीं मैंने, क्या था यार किससे पूछूं, आपको है ही नहीं पूछने वाला, नहीं दे रहा चैलेंज नहीं दे रहा। मैं एम्पायर की सोच के साथ जा रहा हूँ, था तो बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। अरे ऑफ साइड पे गिर रहा है बंदा, क्रॉस खेल रहा है भाई मिडल से, चांस क्यों नहीं बनेगा क्लोज, ये देखो अच्छा हाँ इम्पैक्ट तो बाहर है ना, इम्पैक्ट बाहर है और नॉट आउट, अच्छा वो नहीं लिया मैंने। तो क्रॉस आगे खेल रहा है, ऑफ साइड आगे ज़बरदस्ती बना रहा है शॉट को, मैं क्या करूँ भाई, शॉट लैग। आई एम कह रहे हैं एक बार फुल लेंथ ट्राई करो भाई, हाँ ट्राई कर सकते हैं फुल लेंथ ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, रुको ना, इसमें लक काम करता है कई बार, मैंने देखा है अच्छा खासा इसमें चेंज होते हुए गेम को। अरे उसके लिए थोड़ा सा मिस करना ज़रूरी है AI का शॉट्स, ए यार दो ले रहा है, प्लीज़ डायरेक्ट लग जा, जिस दिन डायरेक्ट लगने लगेगी ना थ्रो उस दिन मैं विकेट एक दो निकालूंगा 10 में से रन आउट के रूप में, अच्छी खासी स्टंप्स ओपन करके हिम्मत देखो भाई। स्पिनर आ रहा है, अश्विन को बुला रहा हूँ मैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि अश्विन को हटाया गया है अभी तक इतिहास में हमारे, मतलब हाँ क्रिकेट 22 के इतिहास में, नहीं तो अश्विन एक तरफ से कंटिन्यू करते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड से हटते हैं गेंदबाज, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अश्विन बाहर हुए हैं और अब आ गए। लेकिन लास्ट वो स्पेल बहुत गंदा रहा था, 5 में 25, और मुझे लगता नहीं कोई चांस बनाए थे इन्होंने, फिर से आए हैं रिजवान और फवाद आलम खेल रहे हैं, आलम तो अच्छा ही खेल रहे हैं। मैं स्लिप को इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने स्लिप पे ध्यान नहीं दिया स्पिनर्स पे, एक्चुअली दिक्कत ये कि स्लिप में वो हल्का भी कट करते हैं ना, कैच नहीं 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 वही ऑफसाइड जा रहा है, ऑफसाइड जा रहा है, ऑफसाइड जा रहा है, दिखाऊं क्या, रुको रिप्ले दिखा दूं, नहीं तो कई लोग भाई इंपैक्ट भी नज़र करनी है हमें, हमें खाली विकेट विकेट हिटिंग नहीं देखना, हमें इंपैक्ट भी तो देखना है, ये इतना ज़्यादा ऑफसाइड आ जा रहा है कि इंपैक्ट ही बाहर चला जा रहा है, अगर स्टंप पर लगेगी भी तो भी इंपैक्ट बाहर हो जाएगा। चलो यार नॉट बैड बट शॉट थोड़ा सा मिस किया इन्होंने, गैप नहीं मिला इनको,
चल भाई एक बार ऑफ स्पिन दिखा दे अश्विन कैसे करता है तू। एजिस कैच, क्या हुआ, पकड़े कि नहीं, पकड़ लिए, कैसे पकड़े भाई, पकड़ लिए स्टंप के अंदर से जाके और यहाँ पे विकेट आता हुआ रवि चंद्रन अश्विन आउट है यार। काई की अपील डेलोवर प्लीज यार, आप भले प्लेयर एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं चले, लेकिन एटलीस्ट स्टंप्स को बॉल को अंदर मत जान दो। गिर गई थी गेंद, गिर गई थी गेंद। भाई बड़ी बज मछली, फिर लेफ्टी आ गया। चलो कोई नहीं भाई, अश्विन भाई फॉर्म में है ना, अभी निकालेंगे विकेट। भाई रिप्ले देखना है, मेन चीज मुझे देखनी जो इसने कैच ड्रॉप करके पकड़ा वो देखना है। कैच थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था इनसे, ऐस तो लगी थी, ये छूट गई थी ये देखो। अबे ये कैसे पकड़ी, अबे ये क्या हो रहा है, अरे अबे 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 भूत आया, भूत आया, भूत आया, भूत आया भाई, गंदा वाला भूत आया ये तो। हो क्या रहा था, एक और प्लीज यार, कभी चार मार दिया ये अशरफ, पता नहीं कहाँ से आए हैं, हर बार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। ऋषभ पंत बाल खुजा रहे हैं, चौका खा गए पहली गेंद पर। अश्विन फील्डिंग में बाल खुजा रहे थे, कैच मेरे हाथ में नहीं है, अरे गया, फहीम भी गया, गोली चल रही है यहाँ पे, ढिशुम ढिशुम ढिशुम, शूट आउट कर रहे इंडियन फील्डर, ढुम ढुम ढुचुक ढुचुक ढुचुक, कौन था ये, मुझे लगा कोहली, कोहली की गोली चल गई है भाई, और शिकार बने हैं यहाँ पे फहीम अशरफ, कोहली की गोली, एक्चुअली अश्विन की गोली, कोहली के कंधे से फहीम अशरफ के बल्ले पे, पेट पे तो बोल नहीं सकता, तो बल्ले पे और डाउन भाई नुमान अली। भाई ये विकेट गिर रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, आज ही मैच खत्म हो जाएगा मुझे अगर कैच। ओ वी कैन डू इट गाइस, वी कैन डू इट गाइस, इंडिया कैन ऑल आउट पाकिस्तान। और शमी भाई नॉट बैड, नॉट बैड भाई, अपना टाइम आएगा, रुक जा अपनी राख से, उज्जत उतला से, दरवाजे परवाने को आसमां भी सर चुकाएगा। मैंने क्या गाया है मुझे ही नहीं मालूम है, जो भी मालूम था वो तो याद ही नहीं है। शॉर्ट लेग वर्क्स, शॉर्ट लेग वर्क्स, फाइन लेग वर्क्स, नहीं शॉर्ट लेग वर्क्स, लेग स्लिप वर्क्स, अभी तो ऐसा है कि विकेट नहीं, हर गेंद पे मुझे विकेट के चांस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं विकेट नहीं मिल रही तो लग रहा है गलती कर रहा हूँ मैं कुछ बड़ी। भाई प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, नहीं तो वो बहुत बड़ी गलती कहलाएगी। और हाँ वो WCC3 का करियर मोड भी देख लेना, और देखने के साथ साथ लाइक भी कर देना। नुमान अली शून्य, मोहम्मद रिजवान एक तरफ से टिके हुए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा प्रबंध। एज थी सेकेंड, थर्ड स्लिप पे शायद आउट था, फील्डर होता तो और फुल मुस्तैद होता तो ही यहाँ पे, बाकी नहीं यहाँ। ऐ व्हाट अ यार, मस्त गेंद हुआ, मस्त गेंद हुआ। ऐसे भी जड्डू आउट हुए हैं, जड्डू बोल्ड हुए थे, और अगर आप जड्डू का बदला जानते हो तो जड्डू बदला लेने में फुल मानते हैं। ये गलत देख रहा हूँ मैं, ये नहीं देखना, बिगाई देखना है। 200 के अंदर ऑल आउट करो भाई, मैं तो अभी ऑल आउट करने की इच्छा रख रहा हूँ, लेकिन हो तब ना। इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा निराश कर रहा है मुझे, इम्पैक्ट ने सबसे ज़्यादा हैरान किया है यहाँ पर भाई। फ्रंट फुट डिफेंस करना सीख, ये गिरी थी क्या जमीन पे, गिरी होगी तभी नॉट आउट है, नहीं तो इतना तेज हुआ मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, गिरी होगी, गिरी होगी गेंद, हाँ भाई गिर के गई है, ठीक है अच्छा है भाई। यही डाइव अगर यार तुम कर लेते, एक कैच उछला था याद है ना, अरे चार यार ये तो काफ़ी तेज मारा है ये, रुक गया रुक गया रुक गया, सही है हमको फायदा। मीरा कह रहे हैं कि आप मुझे पहली बार इतने विकेट दे, जल्दी विकेट लेते हुए देखा है यहाँ पे। लेग स्लिप में से शमी को हटा दो और पंत को रख दो, भाई फील्डर्स का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूँ उस बार भी मैंने मेरे से बटन दब गई थी, मतलब वो तुरंत हो गया था रिएक्शन, ये रन आउट है। ओ फील्डर एक बार देखते हैं भाई, अभी मुझे लग नहीं रहा है जरूरत है बदलने, ये क्या हुआ, अरे अब यार ये तो अपील भी कर ली, थर्ड एम्पायर में देख भी लिया, अच्छा हाँ क्लोज था, थोड़ा सा क्लोज था, थोड़ा सा क्लोज था, ये बताया नहीं, चुपचाप ही लिया भाई इन्होंने। ए
बैक फुट। डिफेंस, नाइस बॉलिंग। फ्लैट डाल रहा हूं। अब लेग साइड खेल ही नहीं रहे। अब भैया, अब भाई साहब को फ्लिक नहीं करनी, अब भाई को ग्लांस नहीं मारना। अरे लास्ट सेशन शुरू होने जा रहा है। इंडिया ऑल आउट तो कर सकता है 30 ओवर में। आज मैच खत्म हो सकता है कि नहीं, मेरे को अगर 20 ओवर्स में 200 का टारगेट मिलता है तो शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। बाकी दिक्कत तो होने वाली है। 176 पे 6, ये है स्कोर कार्ड भाई। जो लोग स्कोर कार्ड पूछ रहे थे, ये है स्कोर कार्ड। सबसे ज़्यादा हैरान अगर किसी ने किया तो अजहर अली ने किया है। वो मतलब वन डाउन आए थे, अभी आउट हुए हैं पिछली अश्विन की पिछली ओवर में। दो अश्विन, दो जड्डू, एक ठाकुर। शमी ठीक है, अभी स्पेल बन नहीं रहा उनका। रियल फेस है कि नहीं भाई, आपके सामने गेम चल रहा है, आप क्या, आपको क्या लग रहा है? जो लग रहा है वही है भाई, मेरे कहने से क्या, मैं झूठ भी बोलूँ तो भी क्या, मेरे आपके सामने ही है। चेहरे देखो प्लेयर्स के, लग रहे हो तो ठीक है, नहीं लग रहे तो भाई मतलब नहीं है रियल फेस। समझने वाली बात है भाई, अभी मैं मान लो बोल दूँ रियल फेस है, फिर आप खुद ही कमेंट करोगे कि भाई कहाँ रियल फेस है, ये थोड़ी ना रियल फेस है। तो बेहतर है भाई कि आप देखा, आपके सामने ही है सारे चेहरे, आप अपने हिसाब से जज करो, आपका आपको क्या लगता है कौन सा फेस रियल है कौन सा रियल नहीं है। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर चल रही है इंडियन गेंदबाजों की। हर ओवर में एम्पायर से पूछना पड़ रहा है कि भाई इसको पवेलियन भेजें कि ना भेजें। Yeah. और अच्छा भी मार रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है पूरी तरह से। कुमार अक्षण पूछ रहे भाई कितना कमाते हो। भाई बस 2 करोड़ 1 रुपया कमा लेते हैं किसी तरह। नुमान अली यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं रिजवान से। बिग हिट, रघु भाई अंत में विकेट हाईलाइट, सब अंत में, अभी अभी बीच में सब छोड़ के विकेट हाईलाइट कहाँ से। चौका, मैं देख रहा हूँ ये मार कैसे रहा है, मतलब शॉट्स कवर पे मार रहा है ना। ठीक है, कवर पे देनी नहीं तुझे, मुझे मिडल पे डलवानी। आम बॉल डाल रहे हैं, सीधा एंगल है, ऐसे भी सीधी एंगल और तेज गेंद डालने में माहिर है। अब तो पकड़ लो। अरे अरे भाई कोहली, इस बार गोली नहीं चली। अरे रिजवान देखो रिलैक्स होते हुए, भाई नर्वस हो जाता है ना इंसान तो ऐसे ऐसे नहीं करता। आ यार वही कर रहे हैं, देखो 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 देखो, रिजवान थोड़े से नर्वस है। और ये पानी ले भाई, अभी तो एक ओवर पहले हम लोग खाना नाश्ता करके आए हैं, फिर एक ओवर बाद आ गए पानी लेके। सिराज वो सिर्फ, वो एक्चुअली पानी लेके नहीं है, पानी के साथ एक चिट्ठी आई है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे आउट करना है इनको और काम कर। अरे तेरी 8 नंबर जड्डू भाई, ऐसे रियल लाइफ में जड्डू जब गिरते हैं तो गेंद की औकात है, मजाल है कोई कि गेंद निकल जाए नज़दीक से, वो तो ये गेम है इसलिए चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, पछाड़ूंगा तो कुछ हो सकता है, हो सकता है, मैंने बहुत देर से पछाड़ी नहीं है गेंद। इन्होंने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये बंदा पछाड़ भी सकता है गेंद। ओ मरते मरते लगी है गेंद, किसी तरह लग गई समझो बस। ठीक है, अब इनको पिछली बार मैंने पछाड़ी थी, इस बार मैं फ्लाइट करा रहा हूँ टॉप स्पिन, फुल फ्लाइट, मतलब इस गेम में इतना ही फ्लाइट होता है जितना है। अब यॉर्कर आ रही है आम बॉल, इसे कहते हैं वेरिएशंस। पछाड़ो भाई, अब बहुत हो गई पछाड़ना, अब आएगा सीधा पैरों पे आम बॉल। सामने हिम्मत हो तो मेरे ख्याल से खेलना चाहिए सामने तेज शॉट। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर रन आउट चांस, दिस इज द, ओ भाग गए, नहीं भागते तो मजा आती। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल ऑफ स्पिन करा रहा हूँ, एक मिनट, राइट आर्म ऑफ स्पिन ना, तो ठीक है मिडल से बाहर करा रहा हूँ, इनका ऑफ स्पिन अलग होता है थोड़ा। अरे यार ओवर भाई, काउंट डाउन चालू हो गया आज के दिन का, पहले ही बता दूँ, मतलब 30 ओवर समझे, समझ लो आप 29 ओवर्स बाकी हैं। 45 प्लस 30 कितना, 74, 73, 75, 73 से 75 में ख़त्म हो जाएगा मैच, मुझे लग रहा है 74। अब बाकी क्या है कैसा है देखो। जड्डू, जड्डू का बताया मेरे को सबसे अच्छा लगता है ऑफ स्पिन, मतलब एक अलग तरीके का ऑफ स्पिन हो रहा है आज। ओ रिजवान इज स्टिल ऑन द क्रीज, 33 गेंद 28 रन्स, गियर अप हो जाओ, कुछ बड़े शॉट्स आने वाले हैं हर ओवर में, एटलीस्ट रिजवान खेलेंगे तो लगेंगे शॉट्स। ठीक है भाई, मैं तुझे दूंगा ही नहीं ऑफ साइड, कहाँ से मारेगा, ऐसे भी इस ओवर में अब लगने वाले हैं नहीं मोस्टली।
रन आउट। अरे यार बीच में मत आ यार पंत, जब स्टंप पे मारूं तब बीच में मत आ, पता नहीं क्यों बीच में आ जाता है। एक ऑलरेडी दो विकेट तो हमने ऐसे ही गंवा दिए। कैच ड्रॉप किया था कोहली, ए कैच, रन आउट। सही में हो सकता था, कैच तो किया था शायद इसने यार, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा नहीं, नीचे करके नीचे, ओ अच्छा उठाई थी गेंद, बहुत तेज हुआ, जो भी हुआ बहुत तेज हुआ सब कुछ। ठीक है मैं आम बॉल में दूसरा डाल रहा हूँ, वाइड जा सकती है, पर ये वाइड लेग साइड पर शायद लेग स्लिप में कैच करवा दे। साइड चेंज करो, साइड चेंज। ठीक है मैं पछाड़ने वाला एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, गेंद को थोड़ा सा गिरने दे रहा हूँ, उसको घुमा रहा हूँ मैं गिरने के बाद बाहर की तरफ। कोहली क्या, कोई नहीं। अरे बहुत तेज आ रहे हैं शॉट, लग जा रही है चोट बार बार पैरों में। ठीक है फ्लाइट कराते हैं, फ्लाइट में मस्त ऑफ स्पिन कराएंगे। अश्विन भाई, लेकिन आपकी स्पिन नहीं दिख रही, विकेट आपने निकाला है नो डाउट, लेकिन एक स्पिन जो होती है ना, एक अश्विन नाम जब सुनने में आता है इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर में से एक, वो स्पिन देखने को नहीं मिले। नीचे लिखा है 32 ओवर किसी हाल में 32 एजेस। अरे यार जड्डू भाई गिर गए। अली गिरते हैं भाई, वो कुछ होता नहीं है। एनीवेज डेवलपर ने ऐसा बनाया है कोडिंग में। 500 लाइक होते हुए भाई शुक्रिया भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज मार दो लाइक यार, इससे ज्यादा देर मत करो। लेट कट। बहुत कैलकुलेटेड रिस्क था ये नुमान का, थोड़ा सा ही बैड फेस खोला था, उनको मालूम था लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो किनारा तो होने वाला नहीं है। चलो साइड चेंज करते हैं, इनमें एक बाउंसर बनती है, हो सके जितना हो सके अंदर लाओ, लेग साइड लाओ, चलेगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई ये भी चलेगा, फिर से यही डालो। हाँ फिर इस बार लेकिन बाहर ले जाओ। यार ऑफ साइड जा रहा है यार, सिली मिड ऑफ कैच, कैच तो नहीं डाइव मारनी पड़ती मिडल पे स्टंप से बीच में। ये सही है जड्डू भाई कम ऑन, लेग साइड जानी चाहिए गेंद, लेकिन इतना आसानी से नहीं यार, गिरना मत। अबे गिर क्यों रहा है भाई, मैं तो आराम से ले जा रहा हूँ, वो फिर भी गिर रहा है, आराम से जाके पकड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, गेंद तो खुद स्लो ही हो गया था यहाँ पे। शॉट इज वन ऑलरेडी। हाँ बंदा कोशिश तो पूरी कर रहा है कि 4 का रन रेट कर दो, पर इंडियन ये पैर छू जाएगा, टच हो जाएगा, गलती कर दी। ठीक है लीव है, इजी लीव है। तालीस में 34 स्ट्रेट शॉट मिड ऑफ, थोड़ा सा माहौल एकदम शांत हो चुका है, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई खास एफर्ट है, ना इंडिया की तरफ से कोई खास एफर्ट हो रहा है। 200 क्रॉस करने वाला है पाकिस्तान, और 14 की लीड थी फर्स्ट इनिंग में। ये अच्छी गेंद, खामोशी में ही तो काम होता है भाई, शोर में तो तमाशा होता है। अरे क्या बोल गया मैं, जबरदस्त बोल गया ना, असली खेल असली, मैंने जो भी बोला पता नहीं क्या बोला, लेकिन जो भी बोला अच्छा बोला, कि असली खामोशी में तो मतलब खामोशी में ही असली परफॉर्मेंस होता है, शोर में तो तमाशा होता है। अरे यार शो इज ऑन, अंधेरी गेंद दिखती नहीं है का इतना, अरे यार वो फिर पता नहीं कहाँ से अंत में तेज हो जाती है, ऐसा लगता है गियर में खुद चला रही गाड़ी चला रहा है कोई अंदर। बॉल पहले धीरे, और गेंद का स्वो देखो कितना अच्छा है, एक तरफ फुल साइन है। अच्छा मैं वो भी तो कर सकता हूँ, साइन भी कर सकते हैं भाई जिनको पता ना हो, देखो मैं अश्विन से साइन करवा रहा हूँ, अश्विन को देखो, ये तो मेरे को अभी याद आ रहा है कि इस गेम में आप साइन कर सकते हो, हर बार हर गेंद पे 10-15 मिनट तक साइन कर सकते हो, चमका दो एकदम। ये पैर बाहर था, बन जाती बात, इस बार बाहर ले जाना है, क्रॉस एंगल कैच भाई, कोहली भाई नज़र ना हटाओ, नज़र क्यों हटा रहे हो यार, साइड चेंज करो,
नजरें मत हटाओ यार, नजरों पर ही तो खेल है यार क्रिकेट, नजरें हटी तो कुछ नहीं होने वाला, सामने बोल्ड हो जाओगे, कैच ड्रॉप हो जाएगा, गेंद कहीं और गिर जाएगी। अच्छी गेंद, जड्डू आ गए, आए तो हैं भाई लेकिन कोई परफॉर्मेंस। अरे यार ये गिरने वाला क्या नाटक आ गया, 200 तो पूरा करवा दिया, अभी 300 भी करवाएगा क्या ये नाटक, सब एक एक दो दो रन वाले रन है, सब पे चार जा रहा है, वो जड्डू वाला पीछे वाला डॉट गेंद थी, सब पे दो दो रन दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ड्राइव में चौका, फिर रिजवान के बल्ले से, साइड चेंज करो सबको, अब क्या करूँ यार मैं, करते करते 350 मार देगी भाई टीम पाकिस्तान, हो गया मैच सेट है, 350, 320, 330 का आ जाएगा चौथे इनिंग में टारगेट, चैलेंजिंग है भाई वो इस पिच पे। कैच नहीं यार, शमी ने कैच ड्रॉप किया है, इन दोनों में से शमी ने एक कैच ड्रॉप किया है, एक रन आउट मिस किया था शमी ने, और एक कैच राहुल ने ड्रॉप किया है, मतलब पूरे मैच में टोटल 3 चांसेस इंडियन खिलाड़ियों ने मिस किए हैं जो शायद कैच विकेट में हो जाते थे। कैच अब तो कर लो यार शमी भाई, आई थिंक दिस शुड बी टेकन, दिस शुड बी टेकन, बहुत हो गया शमी, शमी यहाँ पर तारीफ होगी शमी की, इस बार गेंदबाजी में इतना कुछ कर नहीं पाए थे, इसलिए फील्डिंग के थ्रू ही कमाल कर रहे हैं, और उन्होंने सामने से आके बोला कि मुझे लेग स्लिप में खड़ा रखो, मैं सबसे टफ सिचुएशन में खड़ा रहूँगा, और यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हुए बहुत सही भाई, इन्होंने भी गोली चला दी, टिक 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 इशारा किया दिया पवेलियन में, और सबसे बड़ा विकेट इस वक्त का निकलता हुआ मोहम्मद रिजवान के रूप में। पाकिस्तान 205 पे 7, वाइट वॉश की तरफ बढ़ रहा है, मैं बता दूं जो पाकिस्तानी फैंस यहाँ पे देख रहे हैं या इंडियन फैंस देख रहे हैं, इट विल बी अ वाइट वॉश अगर इंडिया, अरे यार कोई चांस ही नहीं है, अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, अभी कुछ गेम यहाँ से कुछ बनी नहीं है यहाँ से, तो एक्चुअली में अब गेम, अब अंत के 3 विकेट आ गए हैं, 7 विकेट्स डाउन, पिछले मैच में पिछली इनिंग में पाकिस्तान ने यहीं से पूरा मैच सेट किया था, 100 रन 150 रन मारे थे, अगर फिर कर जाता है 220 की लीड है, मैं नहीं चाहूँगा 300 बने पाकिस्तान के यहाँ से, 80, अरे स्टंप बहुत बड़े ओपन कर रहा है यार, काफ़ी ब्रेव शॉट था ये, काफ़ी बहादुरी वाला शॉट था, मतलब पैर कहीं और जा रहा है, स्टंप सामने से खाली है इनका, शामी मोहम्मद शामी नोमान आले, अरे आले कैच डाले बाबा, साइड चेंज करूं क्या, MS धोनी कह रहे हैं बी कूल लाइक मी, भाई आप तो खाली कैपिटल वाले धोनी हो, असली वाले धोनी में तो M बड़ा है फिर S छोटा है फिर D बड़ा है फिर HO होनी छोटा है, आप अलग धोनी हो और स्पेस भी है। एजिस यार सेकंड स्लिप चाहिए, अब सेकंड स्लिप कहाँ से लगाऊं, अच्छा हाँ डेप्थ भाई ये निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, रिस्क ले सकते हो आप थोड़ा सा, अगली ओवर में लेते हैं चड्डू की ओवर में, मजा आएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट वाली फील्डिंग, एक सेकंड भाई, गली गली में मत रहे, आ जा स्लिप में, कवर भाई आप कवर में मत रहो, अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा डीप में रहो आप, मुझे थोड़ा मैं इतना भी पागलों जैसा नहीं रखना चाहता फील्डिंग की, रन पे रन बनते रहे, ठीक है आओ आएगा मजा भाई, 1 2 3 4 5 हमने 5 फील्डर रखे थे ना, मैंने भी तुम्हारे चारों तरफ 5 रख दिए, अब आउट, अब देखता हूँ कैसे, अब एजिस 2 स्लिप में, सेकंड स्लिप अश्विन आ गए हैं, मिडल पे जा रही है गेंद भाई, थोड़ा सा गलत दिए शायद, कौन है नुमान है, हसन का इंतजार है मेन, तो मेन इंतजार हसन का है, नाइस बॉलिंग, अरे बड़ा शॉट, तेज शॉट, बड़ा तो नहीं तेज शॉट भाई, गिर मत, अबे गिर मत भाई, क्या गिर जाता है हर बार यार, वो ऊपर से स्टंप पे लगती नहीं है इसकी थ्रो, पता नहीं कहाँ से नशे करके आए भाई, ये तो अंधेरा भी आ गया है यार, इतना गद्दा वाला तेरा, अच्छा हो मेरी बैटिंग नहीं आई इस वक्त, धड़ाधड़ विकेट गिरते हैं, और आए भी ना तो अच्छा है, 4-5 ओवर मतलब, हाँ 8 विकेट गिर जाए तो 4-5 ओवर ये लोग खेल जाएं, क्योंकि एकदम वहीं पे अंधेरा है जहाँ पर गेंद गिरती है, अभी तो थोड़ा फिर भी दूर है,
लास्ट मोमेंट पे फिर भी दिखना बंद हो जाता है। इनके में मस्त चांस है, इनके में मस्त चांस है, अश्विन चांस बनाएंगे। इनकी गेंदें थोड़ी सी अभी है ना, और आप बढ़िया फील्डिंग यार, परफेक्ट है। ये ऊंचा मारे तो मानू मैं, कैच। यहाँ पे रोकने की जिम्मेदारी स्क्वायर लेग पे मेरी होगा, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। नहीं बदल गया फील्डिंग, बदल गया। हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ 19 नंबर। थोड़ा सा पछाड़ते हैं, थोड़ा सा क्रॉस एंगल बनाते हैं। खेलना तो पड़ेगा इसको, बिना खेले ये जब तक खेलेगा नहीं तब तक ये रन भी नहीं बनेंगे और आउट भी नहीं होगा, तो इसको खिलाना तो पड़ेगा मेरे को। कैच। अरे यार इसको मिल गया है फ्लिक वाला शॉट, बार बार ले रहा है। अरे झापड़ मारना था, कोई नहीं, चलो चौका मार दिया है अश्विन पे। मुझे एक्चुअली इस पर एजिस और विकेट की उम्मीद थी, साइड चेंज करूँ एक्चुअली मैं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब खिलाओ, अब इसको ऑफ साइड खिलाओ, और ऑफ साइड ले जाना तो और ऑफ साइड ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट कट ले देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया इज़ लुकिंग डोमिनेटिंग भाई, बिल्कुल नो डाउट। फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर किया था पाकिस्तान ने, वो स्कोर देखने के बाद मैं नहीं मानता पिच इतनी बदली है कि आप 500 से 250 में ऑल आउट हो जाओ, तो इतना तो पिच नहीं बदला है। आप 500 मारे थे, इस बार आप 400 मार दो, 350 भी मार दो, कम से कम 350 मारो, मतलब इस बार आपने बैटिंग ख़राब की है, इसका मतलब ये है। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब फील्डिंग कर दी है यहाँ पर। BCCI नहीं ने आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने, कौन BCCI भाई, BCCI का कोई संबंध नहीं है भाई इस वीडियो से। नहीं नहीं DRS नहीं भाई, DRS वाला एल भी नहीं, वो नॉट आउट दिया है काफी है। अरे यार नाइस बॉलिंग, लास्ट टाइम पैर लगा था सेम गेंद पे, इस बार मैं दूसरा कर रहा हूँ। लग रहा है कि अंदर आ रही है गेंद, लेकिन अंदर नहीं है, बाहर जा रही है। बाहर ही खेला गेंद को, अच्छी नजर है गेंद पे, नजर बहुत अच्छी बना के रखी है भाई। मैडन ओवर अश्विन दूर जाते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं वो गेंदों को अंदर ला रहे हैं। फील्डर को, ये कवर वाले फील्डर को फुल अलर्ट रहना है, सब गेंदें उसी के पास आएंगी, या तो लीव करेगा, कुछ और खेलने जाता है तो एजिस लगेंगी। फंडा क्लियर है, एजिस और गोल, गिर गई वन, थोड़ा सा करीब गिरा भाई, नाइस अटेम्प्ट। बस यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं, खेलने तो अभी आम बॉल, अब इस पर अगर तेज मारते हैं तो तेज जाएगा शॉट ऑफ साइड पर। कैच, अरे अपील में ज़्यादा सॉलिड समय मत बिगाड़ो, आराम से आराम से। नहीं आउट तो नहीं है, एक्चुअली मैं ना, अरे ठीक है, अच्छा वो मैंने बोला, मैं ये कह रहा था कि मैं ये शॉर्ट कवर को मैं और आगे लाना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से बेकार हो जाएगा वो, क्योंकि ये देखो चौका जा रहा है यहाँ पे, ऐसे शॉर्ट्स जाएंगे वो। अब ये सब शॉट्स के लिए भी बैट फेज ओपन करना पड़ेगा, मतलब विकेट के चांस हैं। खेलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हसन अली 12 गेंदों में 13 मारे हैं ना, 30-40 मत मार देना, नहीं तो मेरा ये प्लान फ्लॉप है। सीधी सी बात है यार, अगर ये बंदा 30-40 मार जाता है तो मेरे ख्याल से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया पूरा, क्योंकि नौमान अली 41-15 मारे हैं। अगर ये फील्डिंग सेटअप में हसन अली 40 मार जाते हैं, 35 मार जाते हैं, तो पूरा प्लान चौपट, क्योंकि फील्डिंग के कारण ही मार पाए। फील्डिंग अटैकिंग था, जगहें खाली थी, गैप आसान था, शॉट्स ले लिए उन्होंने और मार दिया चौका छक्का। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो रन अगर बन गए तो फिर बेकार। मेरे जैसा खेल रहा ही है, जैसा मैं सुबह को खेल रहा था ना फर्स्ट सेशन में, एग्जैक्ट वैसा ही खेल रहा है। आओ फ्रंट फुट डिफेंस मारो, गेंदे उनके हिसाब से जब आती हैं शॉर्ट्स रेंज में मार दो, ये देखो स्क्वायर पर मार दिया, अच्छा स्ट्राइक रोटेट हुई। नुमान को लाओ, क्योंकि हसन अच्छा खेल रहे हैं, नुमान अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच अपनाए हुए हैं, फंस सकते हैं। बहुत बढ़िया गया है, बैट फेज ओपन, पॉइंट पर से ढकेल दिया है। दिक्कत ये होगी कि ये गेंद रुकने वाला है, मतलब फील्डर को जाना पड़ेगा। दो रन, ठीक है,
चीकू सेंचुरी मारेगा भाई, इतने रन ही नहीं है कि सेंचुरी की बात हो पाएगी। पहले क्या ले रहे थे, कुछ और ले रहे थे, जाते जाते बदला शॉट, माइक्रो सेकंड में ही बदला है शॉट। पहले फ्रंट फुट जा रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ बैक फुट चले गए भाई। लेकिन विकेट चाहिए, विकेट नहीं मिल रहे। कल तो मुझे लग रहा है पक्का मैच खत्म हो जाएगा। डे फोर विल बी द लास्ट डे। 3.98। अब भी अपील 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 ऐसे तो है नहीं, खास एम्पायर आउट दे दे और ये DRS ना ले, मजा आ जाएगा। शॉट्स देखो, बैट स्विंग देखो, बड़ा ले रहे हैं बैट स्विंग। उनको भी मालूम है कि भाई ऐसे इस फील्डिंग सेटअप पे छोटे छोटे शॉट्स से कुछ ना होने वाला। लो तो बड़ा लो, फास्टर बॉलर को लाने को कह रहे हैं आकाश भाई। हाँ गुड आइडिया आकाश, वी कैन ट्राई द तेज गेंदबाज, वी कैन ट्राई द फास्ट बॉलर्स। अरे क्योंकि बनता है भाई शार्दुल, या देखता हूँ मैं किसका स्टेमिना सही है, इसका कॉन्फिडेंस सही है, उनमें से किसी एक को लाता हूँ। पर सवाल यह है कि इन दोनों में से अश्विन और जड्डू में से कौन डाउन है। अश्विन तो फुल फॉर्म में, ग्रीन लाइन दिखा रहा है, जड्डू का देखते हैं। अभी विकेट मिल जाए तो मजा आ जाए। ए यार गैप, तेज गेंदबाज में एक दिक्कत होगी कि यार शॉट्स निकलेंगे फटाफट तेजी तेजी से, वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। तीन दौड़ गए हैं, वाह तुम्हारा कभी डायरेक्ट लगने ही नहीं वाला। ये बाउंसर गेंद, बहुत सरप्राइज होगा अगर विकेट मिलता है तो। गिरा नहीं है लेकिन DRS लेना चाहिए था किसी गेंद पे भाई, जिस पे मैंने DRS नहीं लिया है ना उस पे किसी पे भी DRS नहीं लेना चाहिए था। बैकफुट, एक सेकंड मान, मेरे को कॉन्फिडेंस देखना है जड्डू का। ठीक है, जड्डू का कॉन्फिडेंस है 100 है, अश्विन का 100 है, शार्दुल का 100 है, शार्दुल को लाओ। चलो 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 देखते हैं भाई। तेज गेंदबाज आ गए हैं, डिमांड हो रही है भाई तेज गेंदबाज की। कुछ लोगों ने किया है लेकिन किया है, डिमांड की गई है। पर यार तेज गेंदबाज में ये फील्डिंग सेटअप कितना चलेगा, क्योंकि पिचों का कुछ भरोसा है नहीं भाई। पेस गेंदबाज को कितनी हेल्प करेगी ये पिच देखना होगा। कीपर आ गए हैं, स्लिप पिच है यार, ये तो पूरा आई सेट बना के बैठा है एकदम। परफेक्ट मिडलिंग, परफेक्ट डिफेंस, कोहली गुस्से में, कब आउट होगा रे बाबा। और आज गेम लैग नहीं हो रही, आज थोड़ी सी बैटिंग आ जाए तो अच्छा है यार। मेरी खल पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आज ही बैटिंग आ जाए। पाकिस्तान, ये डंडा गिरा नॉन स्ट्राइकर पे, डंडा गिरा ना। ये क्या कर रहा है, अरे अबे भाई ये क्या था, आता माजी सटक ली, ये हुआ क्या, अरे अबे ये क्या हो क्या रहा। स्टंप भी देखो सामने की, बेल गिर गई। एक्चुअली गेंदबाजी करते करते पैर हार्ड टच हो गया यहाँ पे शार्दुल का। अब स्लोवर डाल भाई, इसी खुशी में स्लोवर डालो। सब बोलेंगे भाई ऐसी ऐसी खुशी कौन मनाता है, स्टंप हार्ड टच हो रहा है स्टंप पे तो खुशी मनाई जा रही है। साइड चेंज, आउट स्विंग, नुमान अली, अश्विन को कंटिन्यू करा है। मुझे नहीं लग रहा दोनों तरफ से अभी स्पिनर्स को हटाने की बारी है, क्योंकि तेज गेंदबाज तो बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे। गेंद अभी तो 20 ओवर बाकी है नए बॉल लेने में, और आज होगा भी नहीं, आज नया गेंद आएगा भी नहीं, क्योंकि 80 ओवर आज गेंदबाजी नहीं होने वाली है। गैप गैप गैप, हाँ यहाँ स्लाइड मारो। क्रिकेट 22 करियर मोड भाई, ऑलरेडी मैंने शेड्यूल डाल दिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको मालूम है, जिन्होंने नहीं किया वो पता नहीं यार उनका, मुझे नहीं आइडिया। शेड्यूल डाला जा चुका है भाई, इसलिए बिग हिट। ये पाकिस्तान को पहले ही अटेम्प्ट कर लेना था यहाँ पे। सब अली ही हैं क्या भाई, अभी भी अली हैं, पहले भी, अच्छा हाँ यार बहुत सारे अली हो गए, हसन अली, नुमान अली, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, अभी कितने अली में भूल भी गया, आसिफ अली, और आप लोग बता दो बाकी के अली कौन है।
भाई हाँ, और अली तो सरनेम ही होती होगी ना, अली तो सरनेम ही होगी, नाइस बॉलिंग। और कुछ कैटेगरी होती होगी सरनेम की भी, मतलब पता नहीं मुसलमान में शायद सिया और सुन्नी होते हैं ऐसा कुछ। 15 ओवर का गेम बाकी है, काउंट कर लो भाई यहाँ से, 65-75 ओवर चलेगा मैच। अगर एक ओवर लेट आया है पानी तो भी आप काउंट कर लो, 74 तो होंगे ही होंगे यहाँ पे। तेज गेंदबाज भाई मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे। तेज गेंदबाज इंप्रेसिव नहीं लग रहे भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इन लोगों के लिए। ठीक है, गुड लेंथ गेंद, आउटस्विंग गेंद। अबे मोइन अली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई मैं, मोहम्मद अली, अरे यार बाबर अली भाई, अब उसको बाबर आजम को अली मत बनाओ, ये तो गलत हो गया भाई। मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, ऐसे दुनिया में तो कितने अली होंगे। ऑफसाइड, अरे यार भाई तेज गेंदबाजों पे ये फील्डिंग सेटअप नहीं है मेरे भाई। आज का दिन पाकिस्तान खेल जाएगा भाई ऐसे। देखो अभी और कर, कैच, शॉट लग होता, शॉट लग नहीं, सिली मिड ऑफ होता तो बात बनती। स्लोवर स्लोवर, सही है सही है सही है सही है। ओ भाई लेट शॉट लगाए एआई से, मतलब नुमान से, या तो लेट लगाए या तो अर्ली लगाए, प्रॉपर नहीं था ये यार। सबसे ज़्यादा यार अश्विन यार विकेट नहीं ले रहे हैं, अभी अश्विन को लेनी चाहिए विकेट, अब देर हो गई यार। अपील, अश्विन नहीं, मुंह पे हाथ पकड़ लिया है भाई, साफ साफ नहीं है। रिप्ले में देख लेते हैं हम लोग, अरे मुंह पे हाथ डाल दिया था यूं करके कि यार मिस कर गए, कोई चांस ही नहीं है। स्क्वीड स्क्वीड गेम्स वाला भी पाकिस्तान का था, नॉट आउट है भाई, विकेट मिसिंग। खेल नहीं रहा ये, और सही है, यही लाइन रखो भाई, जबरदस्ती खिलाओगे ना तुम तो जबरदस्ती वो मार भी देगा शॉट्स बड़े। ये देखो, देखा ना, विकेट ले रहा है मिड विकेट से, 3 रन आ रहे हैं। स्टेमिना ले लिया अच्छा खासा इनका। अरे डबल क्लिक हुआ, टॉप स्पिन आ रही है, टॉप पे जा रही है, बड़े शॉट मत लें दो, और जबरदस्ती खिलाओ भी मत, ये लोग खुद ही खेलेंगे, मैं जबरदस्ती नहीं खिला रहा भाई। अब जबरदस्ती खिलाने में यही नाटक है कि ये कैच, अरे 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 अरे, हाँ भाई बहुत ज़्यादा दुख होता गया, जबरदस्ती नहीं खिलाने का भाई, मैंने ये समझा है कि टेल एंडर्स जो होते हैं ना उनको आप जबरदस्ती खिलाओगे तो वो अच्छा खेल जाते हैं। बहुत अच्छे अश्विन भाई, ये उम्मीद थी मुझे आपसे विकेट्स की, क्योंकि मुझे तेज गेंदबाज पे, अभी भी मैं कहूँगा मुझे तेज गेंदबाज पे थोड़ी भी उम्मीद, मतलब उम्मीद नहीं लग रही, मतलब ऑफसाइड गेंदें ली हो जा रही हैं, बॉडी वाली गेंदें खेल जा रहे हैं। स्पिनर में तो फिर भी चांस था, नुमान अली शिकार बने, 8वां विकेट खोते हुए आ रहे हैं असली खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, यही तो मेन बंदा है पाकिस्तान का। ये जड्डू जैसी गेंद कर रहे हैं, जैसे जड्डू डाल रहे थे ना अंदर, कुछ अलग ही तरीके से आती है लेफ्टी के लिए। चलो ट्राई कर लेते हैं शाह ठाकुर को, अभी भी ओवरऑल मैं इतना खुश नहीं हूँ तेज गेंदबाजों से, क्योंकि ना फील्डिंग हेल्पफुल है ना इनके एजिस लग रहे हैं, बीट तो आप भूल ही जाओ। 250 भाई, 300 के अंदर चांस है। पंत किधर है, पंत कहीं बाउंड्री वाउंड्री लाइन पे थे, अभी फील्डिंग बदल गई है भाई हर बार, तो देखना पड़ेगा फिर से, नज़र मारते रहो दिख जाएंगे पंत, यहीं कहीं होंगे मुझे लग रहा है पंत, मुझे ऐसा लग रहा है लेग स्लिप में कौन है, पंत नहीं हो तो शमी है ना, और ये सेकंड स्लिप में कौन है, फर्स्ट में तो रोहित है, ये नज़दीक वाली पोजिशन ली, शॉर्ट लेग पे कोहली हैं, ये अग्रवाल हैं जो कवर पे हैं, देखना पड़ेगा भाई, ढूंढ लेना, अभी ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो जड्डू को ही लाने का मन है, एक ओवर करवाते हैं इसके बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ओवर और कराते हैं इनसे। यार बॉटम सही, यॉर्कर अच्छी जा रही है, यॉर्कर ट्राई करो वेरिएशन के साथ, यॉर्कर अच्छी डाल रहे हैं तेज गेंदबाज, यॉर्कर बहुत अच्छी डाल रहे हैं, ये चीज मैं कबूल करूंगा, यॉर्कर अच्छी डाल रहे हैं। अरे ऑफसाइड यॉर्कर नहीं, मिडल वाली, यार क्या चल रहा है गेम में, ये दिख नहीं रही गेंद है कहाँ
वो नीचे झुकता है तब समझ में आता है गेंद यहाँ है। MS धोनी कह रहे हैं गुड कीपिंग बाय राहुल, वेल डन भाई। यस ठीक है, एक स्लोवर बनता है, या तो बोल्ड हो सकता है इनसाइड कैचेस, तो कीपर पे तो कोई चांस नहीं है। डॉट निराश भाई, एक और ओवर निराश। अरे अश्विन भाई से डबल क्लिक हो गया। ओह कोहली के घुटनों पे लगती हुई गेंद, पंजों पे लगती हुई गेंद, लेकिन अपना कोहली एकदम पहाड़ की माफिक टिका हुआ है, जाने नहीं देगा गेंद को। झुकेगा भी नहीं ना, झुकते भी नहीं है कोहली, झुकेगा नहीं। आप देखना कोहली झुकते भी नहीं है। अरे यही तो लखनी है, यही तो रखनी है। रन आउट, रन आउट प्लीज, रन आउट। अब बाहर डालो, अब बाहर डाल दो गेंद। मैं खुद ही अपना 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 कहा हुआ ही भूल गया कि भाई इनको खिलानी नहीं है गेंद, ये खुद खेलने आएंगे। चलो ट्राई करते हैं, सही है। ओह सही कहा भाई, खुद ही खेलने आएंगे, खुद ही खेलने आ रहे हैं और एजिस दे रहा है, लेकिन इतनी दूर एजिस पकड़ने वाला कोई नहीं है। और हाँ, अगर पाकिस्तान अगर आउट हो जाता है ना आज के दिन में तो ठीक है, मतलब अगर नहीं होता है तब तो ठीक है, और अगर आउट हो जाता है तो हम लोग एंड करेंगे गेम प्ले। इंडिया का रन चेज हम कल ही दिखाएंगे आपको। स्पिन देखो भाई, स्पिन देखो यहाँ पे, आउट तो नहीं है लेकिन अब स्पिन देखो खाली कितना घूम रहा है गेंद। लास्ट ओवर ठाकुर का, अगर मुझे विकेट नहीं दिलाते हैं तो सॉरी यार, एटलीस्ट कैच ड्रॉप होगा तो भी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मुझे चाहिए एजिस, बड़ी वाली एजिस तो कैच हो, नहीं तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, एक ओवर वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तेज गेंदबाज का जो सजेशन था वो अभी तक फ्लॉप रहा है, अभी लास्ट ओवर पे उस पर थप्पा भी लग जाएगा कि फ्लॉप। आज राहुल करके आया है कमेंट आ रही है भाई, बहुत किस्मत भाई, मतलब कैच ड्रॉप नहीं किया, मैं खुद सरप्राइज हूँ यहाँ पे। एचएस बड़ी वाली, चार रन। कमेंट आ रहा है शमी को ट्राई करो भाई, ऐसी जिद नहीं पकड़नी अपने को कि अपने को तेज गेंदबाज को ट्राई करना ही है, पिच अगर साफ साफ दिखा रही है कि स्पिनर फ्रेंडली है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शमी को ट्राई नहीं करना यार यहाँ पे। कमेंट आ रहा है सिली पॉइंट, भाई आप कमेंट कर देते हो शॉर्ट लेग, लेकिन ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि कहाँ से फील्डर हटा के कहाँ लगाओगे तो कमेंट का मतलब है, मैंने कितनी बार बताया भाई आपको। अब आप ऐसे ही कह दो कि भाई तू सेकंड स्लिप, तू थर्ड स्लिप लगा दे, फोर्थ स्लिप लगा दे, तीन और चार स्लिप लगा दे, पर भाई कहाँ से हटा के लगाऊँ, कहना आसान है भाई, 11 प्लेयर हमारे पास, 11 ही प्लेयर हैं, कहीं से हटा के कहीं रखना है हमें, तो आपका कमेंट का वैल्यू तब बहुत बढ़ जाता है जब आप ये भी बताते हो कि कहाँ से हटा के कहाँ डालो। बाकी ऐसे ही कमेंट कर दिया कि भाई तू शॉर्ट लेग लगा दे भाई, या फिर तू स्लिम डाउन लगा दे, या फिर यार तू लेग स्लिप लगा दे, या फाइन लेग डीप कर दे, या फाइन लेग डीप तो ठीक है वो तो पता लग जाता है, पर फाइन लेग लगा दे अगर नहीं है तो डीप मिड विकेट लगा दे, पर कहाँ से निकाल के लगा दे भाई, 11 ही प्लेयर के साथ खेलना होता है क्रिकेट। बाकी जो लोग अगर आप सिर्फ कमेंट करते हो तो फिर वो तो खाली ऐसे ही होता है यार, लग रहा था तो कर दिया। जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को क्या लग रहा है पता है कि मेरे को एक तीसरा स्लिप भी लगाना चाहिए, मुझे एक सिली पॉइंट भी लगाना चाहिए जो आप कह रहे हो, और मुझे ये स्क्वायर लेग है ना, एक स्क्वायर लेग को, हाँ स्क्वायर लेग को आगे ले आना चाहिए मेरी, हाँ जो स्क्वायर लेग को ले आता हूँ, पर मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से मैनेज करूँगा वो एक सवाल है। चलो सिली मिड स्क्वायर लेग तो ले आया नज़दीक, ये फील्डिंग तो कर दी मैंने, ये बढ़िया है, ये बढ़िया था भाई। अब तो फील्डर ऑल क्लोज आ गए, अब तो फुल अटैक हो गया इंडिया का, अटैकिंग फील्डिंग इसी को ही कहेंगे, अग्रेसिव भी शायद इसी को ही कहेंगे। अरे यार ये तो मैं भूल ही गया कि फ्लिक शॉट में मेरी मस्त मेहनत हो गई भाई, आज मस्त रनिंग किया मैंने इस मैदान में स्क्वायर लेग की तरफ। ठीक है, एक क्विकर बनती है, क्विकर हो पाए तो अच्छी बात है। एक बार गुड एंड शॉट बिटवीन लेंथ और ऑफ स्टिक का थोड़ा बाहर, ऑफ स्विंग का डिलीवरी, भाई कितना कुछ कह दिया है, इतना तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, इतना ज़्यादा डीप में है। कैच, आलस नहीं भाई, ओ आलस नहीं, आलस नहीं भाई। शमी को एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ ऐसे ही खाली, शमी को ट्राई कर लेते हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जड्डू, और शमी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नो बॉल डाल रहे हैं, इसलिए नहीं, ट्राई करना बनता है, मतलब
यू विल विन द मैच। लग तो रहा है, बाकी मेरे भी 3 विकेट आज गंदे ही गिरे थे, तो कुछ कह नहीं सकते भाई। शार्दुल का जर्सी नंबर चुरा लिया है। हाँ शमी अच्छी कर रहे हैं, शमी अच्छी कर रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं इनको, ये अच्छा है। 11 मेरे ख्याल से 7 या 8 ओवर, 9 ओवर बाकी। अरे यार स्ट्रेट लग गया, सबसे बेस्ट शॉट, सबसे रिलैक्सिंग शॉट। पहले जब गेम नया नया आया था तब कैच आउट हो जाता था ये शॉट खेलो अगर आप, तो लेकिन धीरे धीरे डेवलपर्स ने इसको थोड़ा सा बैलेंस किया है और अब इस पर जैसा कि आप देख रहे हो एटलीस्ट कैच आउट नहीं होता। नहीं बाहर खेल भी नहीं रहे, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है खेल नहीं रहे यार यहाँ पे। इसको खिलाना तो है, ये लेग चालू, ये शाम को पता नहीं क्यों 5:30 बजे, कितना बजा, जितना भी बजा भाई, कितना बजा, 5:42 से लेग चालू क्यों हो जाता है। अब लास्ट गेंद है, अब यॉर्कर आएगी भाई, नहीं लास्ट के लिए बचा के रखी यॉर्कर भाई, क्योंकि तो ऐसे भी दबा दबा के खेल रहे हैं, देखता हूँ इस गेंद पे क्या दबाते हैं। ओ स्क्वायर दबा दिया, फ्लिक कर दिया, अच्छा खेले यार, मस्त खेला, अच्छा खेल रहे हैं अफरीदी। शुरू में लगा थोड़ा गड़बड़ करेंगे जब बैकफुट जाने लगे, लेकिन उसके बाद गुड कमबैक। और ये गेम का ही लैग है, मौसम का लैग है मेरे को तो लग रहा है। इस गेम में जब बादल वादल आ जाते हैं तो ग्राफिक्स शायद और टाइट हो जाता है थोड़ा। ऑफ साइड खिलाना नहीं है, मैं भूल गया फिर से, इनको खिलाना नहीं है, खुद ही खेलने आएंगे भाई, ये खुद ही खेलने आएंगे, बस अब अपनी लाइन कंटिन्यू करो। यहाँ पे अशुभ मुहूर्त पे लैग हो रहा है, हाँ कह सकते हो यार। एक गोली, अरे बस इतनी जोर से मारा था, कंधे पे हाथों पे सीधा जाके चिपक ही गई गेंद, गिर भी गई नीचे पे, दर्द करके गई है थोड़ा सा। एजेस भाई, इसलिए मैं स्लिप नहीं हटा रहा ये वाली, क्योंकि एजेस जब जाएंगी तो किसी को नहीं मालूम कहाँ से जाएंगी, तो बेहतर है कि मेरे पास एटलीस्ट एक। ओवर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं भाई, 68 ओवर हो गए, और अश्विन वो नहीं आ रहे, क्या नाम है, अरे शमी नहीं आ रहे। किया अच्छी गेंदबाजी की है, पर जड्डू आई थिंक विल बी द राइट चॉइस। थोड़ा सा साइड, अरे यार साइड चेंज कर दी, थोड़ा सा तो क्या होता है, पूरा ही साइड चेंज होता है। नेक्स्ट करियर कियांश करियर मोड कब भाई, उसी वीडियो में ही जवाब है भाई, मुझे लगता नहीं है आपको पूछना चाहिए, मतलब आपने देखा ही नहीं वीडियो, उसी वीडियो में जवाब है भाई मोस्टली। गैप में 4 के लिए लाइक कर देना यार करियर मोड को, WCC3 वाले को, उसका भी 1500 का चैलेंज है, अब देखो आप लोग करते हो कि नहीं। स्पिन, कुछ लोग बोल रहे हैं स्कोर कार्ड दिखाओ भाई, ₹50 दोगे तो स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। ऑफ स्पिन, अफरीदी, जड्डू भाई एक एज तो चाहिए कम से कम यार, ये तो बहुत अजीब कहलाएगा, बहुत विश्वास से आए। ऑफ साइड रखो इसको, लीव कर दे, जान जाऊं मैं, या तो खेलने का भूत सवार है, खेलने का भूत सवार है सही में, अच्छा है, जितना ज़्यादा बाहर खेलेंगे उतना अच्छा हमारे लिए मौका है। इस बार फ्लैट डाल रहा हूँ गेंद, टॉप स्पिन, अश्विन का एक बात है, अश्विन कभी थकते नहीं है, पता नहीं क्यों उनका कॉन्फिडेंस, पिछली बार उन्होंने 31 ओवर की थी फिर भी स्टेमिना सबसे ज़्यादा था, और इस बार भी कब से गेंद कर रहे हैं, पर स्टेमिना भरा का भरा ही है इनका, स्पिनर है मैं जानता हूँ, लेकिन भाई जड्डू का कम हो जाता है, जड्डू का पता नहीं क्यों कम हो जाता है। कई लोग कमेंट कर देंगे भाई वो तो स्पिनर है तो उसका स्टेमिना कहाँ से डाउन होगा, लेकिन यार तो जड्डू भी तो स्पिनर है सेम ऑलमोस्ट, वो भी ऑफ स्पिनर, ये भी ऑफ स्पिनर। अब हाँ एक्शन का कह सकते हो आप कि एक्शन थोड़ा सा अलग है, पर वो एक्शन का एक्शन के कारण नहीं होता है ऐसा, बाउंसर बनती है। बस इसके बाद 5 ओवर का गेम प्ले बाकी है, इंडिया को अगर
पाकिस्तान को ऑल आउट करना है क्योंकि दो विकेट निकालने हैं भाई। अश्विन थकेगा नहीं साला, कमेंट आ रहा है ऐसा आशीष शाहू का। तो सही में नहीं थकते, पता नहीं 99 लगता है इनके नंबर वाला स्टेमिना लगा दिया है किसी ने हैक करके। एक स्टेमिना मतलब अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन वो नाम के लिए है। 15वीं 20वीं ओवर कर चुके हैं। ओह व्हाट अ शॉट, पाकिस्तान 300 लगाता हो भाई, एक अच्छा टोटल तो मार ही दिया समझो। 320 350 अब देता है तो मैं मानता हूँ अच्छा टोटल है चेस के लिए लास्ट ओवर लास्ट इनिंग में डे फोर के बीच में। वही कल से पिच और अलग हुई यहाँ पे भाई। मैं बिहारी को लाने की सोच रहा हूँ, थोड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा मेरे को गेंदबाजों पे। मैं कमेंट पे नहीं आता ऐसा कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा कि दो ओवर के बाद हटा दे रहा हूँ। ओए बिग हिट, कमेंट आ रहा है बुमराह को लेके आओ भाई। बुमराह अभी यहीं थे जेब, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी देखना पड़ेगा बुमराह का है। चार रन अफरीदी, रिमेंबर द नेम बन जाएंगे अगर यहाँ से एक मैच विनिंग पारी खेल गए तो। 26 तो मार ही दिया है ऊपर से सामने 41 हसन अली। दोनों अच्छा खेल रहे हैं, दोनों तेज खेल रहे हैं। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सर्वाइव दिस मैच। बिल्कुल भाई, ऑफ साइड की गेंदों को टच नहीं करना, मिडल वाली गेंदों पे शॉट्स लेना। वेट, बॉडी पे था इसलिए खेला, खेलते नहीं नहीं तो। कैच यार, ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट डालो रे। कोहली का तो करना था, शमी को नहीं, कोहली के ज्यादा करीब था मेरे ख्याल से। अश्विन एक और ओवर, ये अश्विन का लास्ट ओवर, मैं भाई ऐसे बार बार नहीं करा सकता। अश्विन भाई विकेट चाहिए। अब देखना अश्विन की ओवर में ये 5 गेंदें बाकी है ना, अब इसके बाद तो अभी देखना क्या होगा। एक अजीब सा कुछ मौका बनेगा कि लगेगा आपको यार एक और ओवर करवा दे इससे। ये पता नहीं क्या होता है हर बार, स्ट्रेट मार दिया है। अरे यार चौका, तो भाई टॉप ऑर्डर जैसा खेल रहे हैं, हर ओवर में एक बाउंड्री के आसपास रन, दो रन। बुमराह नहीं तो एटलीस्ट ब्रेटली को ले आओ। ब्रेटली भाई अभी यहीं रखे थे कहीं, पता नहीं कहाँ चले गए ब्रेटली भी। यहीं रखे हैं सब, एलन डोनाल्ड यहीं पड़े हैं, डेनिस लिली यहीं पड़े हैं, सब यहीं पड़े हैं। और इसी बीच यहाँ पे पड़ा है हमें दो रन, हसन अली तीन नहीं लग रहा, दो आएगा। मैं थोड़ा सा लेट थ्रो दे रहा हूँ ताकि ये दौड़ जाए। दौड़ गया, सही में दौड़ गया। अबे नॉन स्ट्राइकर पे देनी थी, बट्टा धार। लास्ट तीन गेंद है, क्या बिग हिट लगेगा इस ओवर का, क्योंकि चौका लगाते हैं वो, चौके का अटेम्प्ट करेंगे वो, कैसे करेंगे वो अभी देखने लायक है। ये तो थोड़ा सा लैग भी हैरान कर रहा है यार दिन के एंड भाई। कोई मौका नहीं बना, लास्ट गेंद आ चुकी है यहाँ पे। और मैं दूंगा इसको सीधा टॉप स्पिन अंदर, पैरों पे पंजे पे लग सकती है। वो शॉट ले रहा है, ये तो शॉट ले रहा है। ठीक है चड्डू भाई, आपसे उम्मीदें हैं, आप भी 3 विकेट निकाल चुके हो, 5 विकेट हॉल का मौका है। एक चिड़िया आ गई भाई यहाँ पे, मैं आपको कैमरा दिखा नहीं सकता लेकिन वो भी कमेंट्री सुनती है। दो चिड़िया आई हैं, चली गई वहाँ। शॉट भाई, इसके बाद सिर्फ 3 ओवर बाकी है, मैक्स कह रहा हूँ मैं, 75 पे ख़त्म हो जाएगा मैच, तो 2 ओवर बाकी हैं, सॉरी 3 भी नहीं, 2 ओवर बाकी हैं और 2 विकेट निकालने। ठीक है 73। अरे यार मिडलिंग कैसे कर रहा है ये, अरे दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि इनका लगे गेंद, एज लगे, इतना परफेक्ट मिडलिंग डाल रही है। चलो देखते हैं। नाइस बॉलिंग, ये अपने आप डबल क्लिक हुआ है भाई, मैं जिम्मेदार नहीं उस गेंद पे कुछ होता है तो। ऐ स्टंपिंग स्टंपिंग स्टंपिंग, पैर उठाए पीछे वाला, थोड़ा सा जल्दी मारो यार, बिग हिट ले रहे हैं। ए यार दोनों गेंदें लास्ट की अच्छी यार,
ये जड्डू नहीं, हनुमा विहारी लास्ट ओवर ही है, एक ही ओवर मिल रहा है जो विहारी को, इसके बाद इसको लेकर दो ओवर बाकी हैं सिर्फ। लीव ठीक है, 11 गेंदे बाकी यहाँ पे। एक सेकंड भाई मत रुको रुको, अभी नहीं, इस ओवर के बाद करते हैं एक चीज। नया गेंदबाज है ना, नया गेंदबाज है, थोड़ा सा मौका बना सकता है बाकी खिलाड़ियों से। बल्लेबाज शाहीन अफरीदी अभी भी ऑरेंज कलर के कॉन्फिडेंस में है। यार कम ऑन हनुमा विहारी, वी कैन टेक आउट एटलीस्ट वन विकेट। यप, विकेट का नाम सुनते ही चौका। कीपर कमेंडर, राहुल को आज डांट पड़ी है इसलिए, इस कारण से अच्छी कीपिंग कर रहा है भाई। राहुल को डांट पड़ी है इसलिए नहीं, राहुल को पता है कि अगर वो कैच ड्रॉप करेंगे तो उनका भी वीडियो डाल दूंगा मैं। पंत का तो डाल दिया वो, गेम वाले पंत का कैच है, विकेट है, ये हो रहा है हनुमा विहारी का। जय श्री राम, कर दिया है, बाय बाय टाटा अलविदा गुड डे। नाइन्थ विकेट को भाई, ऑल आउट चांस, ऑल आउट चांस, ऑल आउट चांस, कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया। कोहली गॉन, कोहली गॉन नहीं, सॉरी, कोहली ने गॉन कर दिया है हसन अली को। कमेंट आ रहा है अश्विन को लाओ, अच्छा कर रहा था, ठीक है भाई थैंक यू। हसन अली 48 पे आउट, 60 में अच्छी पारी, 300 करवा दिया पाकिस्तान को एटलीस्ट। मोहम्मद अब्बास भाई, इसको भी लपट लो, लास्ट गेंद है आपका। नॉट बैड, नॉट बैड, जड्डू आ रहे हैं लास्ट ओवर के लिए। दिन समाप्त भाई, एक ओवर पहले ही दिन समाप्त कर दिया है, मतलब कि अब कल पता लगेगा कि क्या होगा। एक सेकेंड पॉज हो रही होगी वीडियो, टेंशन नको भाई, टेंशन नको, अबे अबे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई। नहीं भाई 74 मैंने कहा था ना, 74-75 ऐसा कुछ होता है ओवर, इसीलिए मैंने कहा था भाई। शाउट आउट ले रहे हैं हम लोग, शाउट आउट की शुरुआत हो रही है, शाउट आउट मैं ऑफ कर दूंगा जब कमेंट आएगा तो। भाई हाईलाइट देख लो, जो लोग कहते हैं हाईलाइट्स का, कुछ ऐसा हाईलाइट्स बन के आया है। कमेंट में से नाम भी ले रहा हूँ फटाफट जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, थोड़े नाम आ जाए फिर एक साथ लूँ भाई। इंडिया को मुझे लगता है 350-40 का आसपास मिलेगा लास्ट विकेट कल, अगर मैं नया दिन है अगर शुरू में ले लेता हूँ तो बात बन जाएगी। कियांश यहाँ नहीं है भाई, कियांश बाहर नीचे है शायद, नीचे वाले का फ्लोर्स पे, मेरे साथ नहीं है मतलब, बाहर कहीं है वो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उठाते हैं हम लोग। सुजय गांगुली यहाँ पर, एनविजेट BGMI गेमिंग जोन, गेम्स एंड वीडियोज, अभी सायल, धीरज कुमार, युवराज, पार्थ चतुर्वेदी, विद्या रॉय, गेम्स एंड वीडियोज, आशीष शाहू, सप्तर्षी घोष, सुजय फिर से आते हुए, विद्या रॉय, रोशन, ठीक है भाई, टैग गेमिंग जुड़ते हुए यहाँ पे। भाई मैं बता दूँ, कमेंट सेक्शन में लाइव स्ट्रीम के सबसे टॉप पे कमेंट पोस्ट है, पिन किया हुआ है, उसका जरूर से लाइक कर देना उस पर, नहीं तो फिर भाई अधूरा रह जाएगा लाइक गोल, उसमें भी डिले हो जाएगा। मेरा बहुत मन है बनाने का उस पर वीडियो, लेकिन आप लोगों के चैलेंज पे ही डिपेंड है वो। सुजय गांगुली, स्वामीदीप दत्ता, फेल गेम 4.0, भूषण एस, अभी स्नायल, युवराज, ठीक है भाई, एंड रियांश गुप्ता आते हुए। मैं लिख दूंगा कमेंट में शाउट आउट ऑफ, ऑलरेडी लिख चुका होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा डिले होके जाता है। समर्थ चैस आते हुए, ठीक है भाई, तो शाउट आउट ऑफ यहाँ पर जाता हुआ। ये विकेट है जड्डू, और जड्डू खेल रहे हैं सामने, हसन अली हैं शायद, शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं इस हाईलाइट में, ये तो हसन अली हैं। प्रियांशु कुमार आते हुए, बढ़िया भाई, चलो चलो भाई, थैंक यू यार सभी का। अभी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत। मैं वो रनिंग कर रहा था जो दौड़ रहा था ना स्क्वायर पे, आज पूरा मैंने स्क्वायर पे फील्डिंग किया पूरे दिन। बुमराह से बॉलिंग करवा लो भाई, यहीं थे बुमराह, अभी जेब में ही थे, पता नहीं कहाँ गिर गए अभी। बुमराह कहाँ गया, बुमराह, ओ बुमराह भाई मैच देखा करो यार, ये तो ऐसे ही कमेंट करेंगे करोगे आप। ये आए हनुमा विहारी और ये झटका विकेट हसन अली का। कल एक विकेट बाकी रहेगा, देखना होगा इंडिया चेज कर पाता है या नहीं। ये रहा है स्कोर, अरे कितना अजीब लग रहा है देखने में, पहले दो खाली हैं क्योंकि LBW बोल्ड हुए हैं, और फिर शमी कोहली, शमी कोहली, राहुल कोहली, राहुल कोहली, शमी, अलग ही कुछ है गेम प्ले। ये रही है छोटी सी समरी इस सब मैच की, 300 पे 9 बहुत गंदे नंबर पे आउट हुआ है यहाँ पे।
पाकिस्तान यहाँ पे, और 314 की लीड लेके रखी है इन्होंने। सवाल यही है कि क्या इसको 350 कर लेता, मैं मानता हूँ 350 कर लेता है तो एक अच्छा स्कोर होगा यार इंडिया के लिए। मतलब इंडिया को कम से कम 30 ओवर खेलना पड़ेगा, 30-35 ओवर। मैं अपने रन रेट के हिसाब से कह रहा हूँ, टफ भी हो सकता है, डे फोर है, गेंदें ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब इधर उधर जाने लगी हैं थोड़ी बहुत, तो मज़ेदार होगा। चलिए भाई मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ गेम को, और हमारी स्क्रीन को मैं बदल रहा हूँ, स्क्रीन पे आ जाते हैं हमारी, सेव तो अपने आप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे। एक सेकंड पहले मैं इसको एग्जिट कर लूँ, सेव कर लूँ। आवाज आ रही होगी शायद आपको थोड़ी बहुत। अब करते हैं बात भाई, अब बताओ क्या सवाल है भाई। ये भी यहाँ पर राइट साइड में बंगाली बाबा यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, उसमें कैसे दिख रहा है बंगाली बाबा? इस तरफ नहीं दिख रहा मेरे, मतलब कमेंट सेक्शन में नहीं दिख रहा, पता नहीं कैसे यहाँ दिख रहा है। इंडिया श्रीलंका का क्या हाल है भाई? इंडिया श्रीलंका का कोई प्लान नहीं है भाई अभी मेरे पास, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होगा हमारे पास वीडियो बनाने का इंडिया श्रीलंका का, क्योंकि इंडिया श्रीलंका का अगर आप देखते हो तो मेरे पास इंडिया ऑलरेडी हमारे पास WCC3 का करियर मोड आ गया है अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो, और क्रिकेट 22 का भी करियर मोड आ चुका है यहाँ पे, तो दोनों करियर मोड यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी दो करियर मोड आ जाएंगे, और अभी VR पे मैंने एक भी गेम खेला नहीं है, क्योंकि VR पे मैं गेम परचेस नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है उस पर, तो उसका भी मुझे देखना होगा यहाँ पर। कियांश नहीं है भाई यहाँ पर अभी, मैं बताया तो भाई यहाँ पे मैं कैप क्यों पहनता हूँ भाई, बस ऐसे ही कैप पहना है मैं, कोई ऐसा नहीं, पहले नहीं पहनता था भाई, लेकिन अभी जब बाल शेव किए थे उसके बाद मैं कैप पहनने लगा भाई, कोई रीज़न नहीं है उसका, बाल थोड़े छोटे भी हैं शायद, या शायद जो भी लगे आपको, पर फिर पहनने लगा तो फिर अब मुझे अच्छा लगने लगा कि लाइव स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं है, तो पहनने लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं भाई, मुझे आइडिया नहीं कोई गेम का, मैं अभी कोई शेड्यूल नहीं है। कल का शेड्यूल क्या है बताए, कल तो हाँ कल का शेड्यूल बता देता हूँ मैं, जो मुझे पता है एग्जैक्टली। कल मॉर्निंग में आएगा हमारा क्रिकेट 22 का करियर मोड फाइनली यहाँ पे आता हुआ, इतनी मेहनत से बनाया मैंने, मैं जानता हूँ, अनफॉर्चुनेटली उसको 10 दिन लग गए आने में यार, बहुत दुख की बात है। पता नहीं चैनल पे क्या कमी लग रही है मेरी कि लोग लाइक नहीं किया, मतलब देखा लोगों ने 13-14 हज़ार लोगों ने देखा वीडियो, लेकिन 2 हज़ार लोगों ने लाइक नहीं किया, 14 हज़ार लोगों ने देखा, 2 हफ्ते पुराना वीडियो हो गया यार, बहुत ज़्यादा दुख की बात है यार। फाइनली कल आएगा मॉर्निंग में, मैं उसको 10 o'clock कर दूंगा, कल 10 o'clock उसका प्रीमियर कर दूंगा, उसमें आप मेरे को नया बैट लेते हुए देखोगे, मुझे वनडे और T20 में डेब्यू करते हुए देखोगे, इंडिया टीम का परमानेंट हिस्सा बनते हुए देखोगे, और सीरीज विन करते हुए देखोगे, योगा सेशंस, प्रैक्टिस सेशन, ट्रेनिंग सेशंस करते हुए देखोगे, साथ ही साथ बड़ा वीडियो है भाई, छोटा वीडियो नहीं है वो, तो बहुत कुछ होगा कल के दिन यहाँ पे। और हाँ दोपहर का शेड्यूल बता दूँ मैं, दोपहर का शेड्यूल हमारा होगा यही इंडिया पाकिस्तान का मैच, परसों का शेड्यूल मैं आपको कल बताऊँगा अगर मेरे पास शेड्यूल होगा तो भाई, तो अभी तो यही शेड्यूल है, तो और कोई शेड्यूल है नहीं भाई। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं क्या है कब आएगा गेम, भाई मैं यही सर्च करूँगा, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, आई थिंक डिस्कॉर्ड इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा भी कुछ अपडेट होता है तो मैं बिना बेझिझक कमेंट कर देता हूँ उस पर, क्योंकि उस पर कोई वो नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन जैसा नहीं होता कि वीडियो डाली तो उसको पोस्ट हुआ फिर गया नहीं गया, उसमें तो मैं टैग मार देता हूँ सबको, तो सबको मैसेज मिल ही जाता है, फिर डिपेंड करता है कि आप लोग देखे कि नहीं देखे। अरे मैंने एक गलती कर दी थी यार मॉर्निंग, अच्छा नहीं यार डाल दिया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और कियांश वाले वीडियो का मैं लाइक बता दूँ कितना हुआ है अभी, अनफॉर्चुनेटली कमी है भाई कमी है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट और कर रहा था उसको सपोर्ट की, इस समय कियांश वाला वीडियो पहुंचा है 50% लाइक हो चुका है, 806 हो गया है, 1500 लाइक स्कूल चैलेंज है उसका, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल तक हो जाए, लेकिन अब लग नहीं रहा देख के कि यहाँ पे कल तक होने वाला है ये, तो देखो भाई क्या बनती है बात। मेरा प्लान ये है कि मैं एक दिन क्रिकेट 22 लाऊं, लेकिन इतना सपोर्ट होना चाहिए, एक दिन क्रिकेट 22 लाऊं, एक दिन WCC3 लाऊं, और एक दिन मैं अभी VR वाला मेरा हो जाए क्रिकेट गेम, तो फिर मैं VR वाला गेम लाऊं, तो ये मेरा प्लान है, क्रिकेट VR WCC3, क्रिकेट VR WCC3 और एक लाइव स्ट्रीम, तो ये मेरा सिंपल सा प्लान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट जब नहीं मिलता तो फिर ब्रेक मारनी पड़ती है। बाकी जो लोग और पूछ रहे हैं और सब गेम, भाई और सब ब्रेक गेम इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि सपोर्ट शून्य है भाई, मैं कितना एफर्ट डालूँ, एक साल पूरा एफर्ट डाला,
मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं दिखा। रियांश कह रहे हैं 30 फरवरी को आएगा भाई। हाँ बाकी सारे गेम 30 फरवरी को आ रहे हैं। क्या कहते हैं, GTA 6 मैं ला रहा हूँ, रियल क्रिकेट 22 ला रहा हूँ 30 फरवरी को। और हाँ आज कुछ आने वाला है जेट सिंथेसिस का, जो डेवलपर हैं सचिन सागा के, जो जिन्होंने बाद में रियल क्रिकेट 20 को भी परचेज कर लिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया कुछ नॉटिलस मोबाइल में, तो वो लोग कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है, रुको मैं देखूं। जेट सिंथेसिस अरे आ तो गया है भाई यहाँ पे द कंट्री, ये क्या है द लाइट लाइट ऑफ आवर आईज और आ तो गया है कुछ है भाई, ये क्या है तो चीयर एंड डिलाइट जेट्स इज एनरिचिंग द लाइफ ऑफ वन ऑफ थ्री इंडियन, ये क्या है आवर न्यू आइडेंटिटी। अच्छा न्यू आइडेंटिटी क्या है, न्यू आइडेंटिटी। अच्छा लोगो नया रिवील किया है भाई, अरे यार ये तो नया लोगो है भाई खाली। इकोसिस्टम ऑफ गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेलनेस, भाई कमेंट आया था कि वो कुछ नया आने वाला है भाई, लोगो आया, वेलकम टू द अनवीलिंग ऑफ न्यू आइडेंटिटी वन ऑफ थ्री लीडिंग द वे टू डिजिटल ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वेलनेस एंड लाइवलीहुड। सही है यार लोगो अच्छा है, पिछला वाला अच्छा था ज़्यादा, ये भी अच्छा है, लेकिन ये लग रहा है देखा हुआ है मैंने कहीं इस तरह का लोगो जिसमें बहुत कुछ डाल दिया है। ठीक है भाई नया लोगो आया है वो डेवलपर्स की तरफ से जो RC20 और उन पे काम करते हैं। ट्विटर पे चैनल लोगो रखो भाई, हाँ ट्विटर पे चैनल लोगो रखना है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, लोग मोबाइल गेम ज्यादा देखते हैं। हाँ भाई मैं WCC3 भी तो लाया ले आया ना, उस पर देख लेते हैं हम लोग। RC20 मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, मुझे कुछ ज्यादा सपोर्ट दिखानी इसमें। ट्विटर पे रखना है भाई चैनल लोगो, डालते हैं भाई रुको ना, अभी नहीं थोड़ी देर बाद डालते हैं, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बाद में मैं देखता हूँ। गेम ऑन करो पागल भाई, उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, कमेंट करने से पहले थोड़ा सा भाई आप एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा देखो वीडियो तो समझ में आएगा। सिराज AI को कोस रहा होगा बिल्कुल भाई, पर एक्चुअली तेज गेंदबाज के लिए कुछ था नहीं ज़्यादा, पहली इनिंग ऑलरेडी आपने देख ली, थक गए सब लोग गेंदबाज, तेज गेंदबाज को ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोस रहे होंगे। लेकिन आप बैटिंग करते यार, बैटिंग करते मज़ा आ जाता है यहाँ पे। मैं बांग्लादेश से हूँ भाई, काहे बदनाम कर रहे हो अब्यूज़ करके बांग्लादेश को, मेरे को लगा नहीं था बांग्लादेश से हो आप, सही है। चलिए भाई शुक्रिया 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 सभी का, थैंक यू यहाँ पे जाएगा सबसे पहले तो भाई हमारे वन एंड ओनली सोम सेन गुप्ता को शुक्रिया यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीम पे पेटीएम के थ्रू, और हमारे नए मेंबर रघु रुकू का बहुत बहुत शुक्रिया मेंबरशिप मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया सभी का। कल का प्लान शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया है, खेलेंगे हम लोग क्रिकेट 22 और हम लोग दोपहर में आएंगे, खेलेंगे हम इंडिया पाकिस्तान, जीतने की कोशिश करेंगे, व्हाइट वॉश करेंगे, ट्रॉफी सेलिब्रेशन करेंगे, एक टूर खत्म करेंगे। भाई रोना आ रहा है मुझे, दुख हो रहा है, कोई बात नहीं, लाहौर को अलविदा करेंगे हम लोग, देखेंगे फिर क्या करना है परसों से, क्योंकि परसों से अगर मैच चालू हो जाएगा तो फिर अरे तो फिर लाइव स्ट्रीम होगी नहीं, तो 5 दिन तो फिर लगभग स्ट्रीम नहीं होने वाली, इंडिया पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका मैच चालू होगा तो उस समय बैठ के मस्त वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, पर प्लीज़ देखना वीडियो और लाइक करना। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रीम में, बाय बाय टाटा गुड, देखना पड़ेगा एंडिंग स्क्रीन का है, गुड डे।